ऐसा ऐसा ना यहाँ पे पापा को होगा उसी 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 जगह क्लिक करना। जगह। रिकॉर्डिंग और फेसबुक पे तो आपको याद है इधर क्लिक करना हाँ अभी निकलना है। अभी है। नहीं क्यों कर दिया? अभी तो मैं बोल रहा हूँ अभी जाते मैं ठीक नहीं करूँगा मैं बोल रहा है उस वक्त नहीं आएगा मैं बस देख रहा हूँ उस आगे ना ठीक शेयर मतलब पेज जो मैनेज बजने सुखान बजने सुखान मैंने ये देखा ही नहीं कि तुम यहाँ कैसे आए। और इधर वो इधर यार मॉल पे और फिर लाइव जहाँ पे लाइव हम फेसबुक लिखा आता अभी तो हम लाइव तो नहीं गए हैं है ना। मैं भी अभी अभी भी लाइव ये क्या रहा है? यू कैन नॉट ओके ऐसा लिखा मेरे वाले भाई जुड़ रहा है वही वर्ड्स अच्छा ये टाइटल माँ आलमी उसमें ना आलमी में अब्बास खैर नहीं है, आलमी करो इसलिए कि अब्बास ताबिश का भी फोन आया है कि ओ मैं नहीं आ सकता। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाहर में मिलना अपने टाइम ना लगे हम बस पेस्ट करके अच्छा इसको मैं बात कर देता हूँ ये देखें क्या? ये आगे नोज डजंट एंटर द वेटिंग रूम अच्छा, अब हमें बस क्लिक करना है एडमिट एडमिट क्लिक करना। जी काफी शेड आ रहा है मेरे चेहरे पर। अप्रिशिएट तुम अपनी लाइट थोड़ी ठीक करो। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम सलाम। हाल है? ठीक ठाक, चलो छोड़ो, पता नहीं कुछ मुझे लग रहा है कि शेड है काफी। आपके अभी लगता है कोई और नहीं आया। अभी बस आ रहे हैं। देखे आ रहे हैं। एक अच्छा, बस एडमिट एडमिट पे करना। खुद ही वो आ जाते ये तो नुसरत ही है। जी। अच्छा जी, मैंने अपने दूसरे से भी खोल दिया। अच्छे से बंद कर दूं फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने भेजा है वो जो आलमी मुशारे के उस पर भी है और आपको अलहदा ही भेजा है। खैर, आप आलमी मुशारे के उसमें चले जाइए। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अलहदा भी भेजा है। वैसे आप व्हाट्सएप पे देख लें वहां पर, क्योंकि लोग आने शुरू हो गए। चलिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। क्या कह रही सूट है? अच्छा ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेमन कलर आपका ना सूट का, लेमन कलर है ना, प्यारा हाँ, लग रहा है। मैंने कहा बहुत पिंक पहनती हूँ, आज लेमन कलर पहन लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखो अब प्रॉब्लम हो गई है एक। अब वो अब्बास ताबिश के किसी अजीज को हार्ट अटैक हो गया ओ तो फिर हम अशफाक को सदर बना देंगे। अच्छा, तो वो नहीं आ रहे फिर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा 952 है ना? हाँ
कौन आया? नहीं अच्छा तो भी नहीं है, नहीं है। अच्छा हाँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आवाज तो आ रही है ना आपकी? जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, दैट्स फाइन। और दूसरा कौन है ये? अच्छा वो है अफजल मंगलोरी। हेलो, हेलो, कैसे हैं अफजल? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी अफजल, अफजल की, अफजल की आवाज है, मुझे भी नहीं आई। बस आवाज आपकी अफजल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नुजरत की आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, नुजरत की आ रही है, आपकी भी आ रही है, अशफाक की भी आ रही है। कैसे हैं अफजल साहब, कुछ अपनी आवाज सुनाएं। इनको मैसेज करूं? उनको अफजल मंगलोरी का आपकी। हेलो जी, कैसे हैं? किशोर साहब ठीक ठाक? ठीक। आदाब जनाब राजेश साहब, राजेश जी तो आदाब। अशोक साहब आदाब, आदाब, कैसे हैं? बस देखिए आपसे तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अफजल साहब आपकी आवाज कुछ ठीक कर सकते हैं? इनको कर। अशोक साहब इस बार आपसे मुलाकात हो रही है बरसों बाद। जी, काफी अरसे के बाद, उस वक्त भी बहुत मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। मैं भी मेरे ख्याल से पहली दफा किसी मुशायरे में शरीक हो रहा हूँ। जी जी, पिछली दफा मैंने बुलाया था, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और मेरा कंफर्टेबल नहीं था। अच्छा, कहा नहीं इसमें आना है, मैंने कहा जरूर। नहीं, अच्छा, इस बहाने में आपका नाम देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं उनको करती हूँ। आप इंडिया कब आ रहे हैं आप भाई? ये तो कोविड से निजात मिले तो हम कोविड निकल जाए, सही बात है। तो हम लोग इसी तरह हम सामने बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये एक साल अभी साल से पहले नहीं चाहिए, साल से। आप ठीक हैं तलत? आपको क्या है? आपको नहीं आ रही है आदाब? तो आप अपनी आवाज, आप यहाँ तो ठीक है, आप अपनी तरफ का ठीक करिए, अपना माइक ठीक करिए। या जूम का माइक आप ऑडियो जूम का ऑन करें। तो टेक्स्ट करोगे? उनको जरा वो करो कि उनकी आवाज देखोगे दोबारा आती है कि नहीं आती। विनोद आपकी, आप जरा बोलिए आपकी आवाज। जी 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 जी, ठीक है, आपकी आवाज ठीक। आप कहाँ है, वैंकूवर में के एडमिंटन में? आज हनी विक्टोरिया में। अच्छा, विक्टोरिया में, ठीक है। आदाब विनोद भाई। आदाब अशफाक। आप सब एडमिंटन के 15 20 25 साल बाद मुलाकात, ज़ियारत हो रही है आपकी। जी जी। क्या हुआ बात? आपके शहर जौनपुर के हैं हम भी। अच्छा जी जी। पहले पता किश्वर, हम भी अपना दाखिल हो सकता है शफक जौनपुरी। हां भाई, जब तालिब आ गया मंगलम। आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? ठीक हैं
जी अल्लाह का शुक्र है, सब दुआएं हैं तेरी बहुत दिनों के बाद आपसे। उनको करो अब तो उनकी आवाज भी नहीं आ रही, वो तस्वीर भी नहीं आ रही ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ लिख कर देखो कि ना अब आवाज आ रही है तो तस्वीर नहीं आ रही। हाँ आपकी आवाज आ रही है। ईश्वर गनी साहिबा जी, मगर जी आदाब, जी आदाब, मगर आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही है अफजल साहब। तस्वीर नहीं आ रही नजर? हाँ आप तो साफ नजर आ रही है माशाल्लाह। तो देखिए क्या दोबारा कह रहे थे, तस्वीर नजर नहीं आ रही। नहीं मगर एकदम से सारे लोग को तस्वीर आपकी अभी तो आ रही थी तस्वीर। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। चले शुक्रिया। हाँ चलिए क्या बात। अब इससे पहले कि हम मुशायरा शुरू करें, मैं आप लोगों को एक खबर सुनाना चाहती हूँ कि अभी अभी मेरे पास, मैं आपको सुनाती हूँ उनका अब्बास ताबिश का की वॉइस मेल आई है। अच्छा। और उन्होंने उनके किसी अजीज को हार्ट अटैक हो गया है। तो वो जो है आज मुशायरे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मैं आपको उनका सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम किशोर गनी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं माजरत चाहूंगा, मुझे एक बहुत जाती किस्म की एक इमरजेंसी हो गई है। एक अजीज हमारे जो हैं वो उन्हें हार्ट अटैक हो गया और मैं उनके साथ हूँ, तो मैं इस मुशायरे में शरीक नहीं हो पाऊंगा। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आपने। चलिए तो मजबूरी है तो मजबूरी है। इस वक्त किसी वक्त इंशाल्लाह इसकी मैं तलाफी कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो वो कह रहे हैं लाइक जाहिर है वो कह रहे हैं मैं किसी और वक्त इसकी तलाफी कर दूंगा और मजबूरी है वो तो बहुत ज्यादा। तो आज के हमारे मुशायरे की सदारत अब अशफाक हुसैन करेंगे। अशफाक साहब भाई हम तायद करते हैं उसके उस प्लेट पे, क्योंकि इसके बाद वही सीनियर शायर है। बिल्कुल बेशक बेशक हम सब उसकी तायद करते हैं। क्यों राजेश भाई? बिल्कुल अशोक भाई ही। तो आप लोग जी अफजल भाई कैसे आप? जी सब दुआ है अल्लाह का शुक्र है जी। तो इससे बेहतर तो अब और कोई हमारे पास चॉइस नहीं हो सकता है। आप सब बहुत ही सीनियर और बहुत ही बुलंदकश शायर हैं। हर तरह से जी। तो अब यही फैसला मैंने किया है और आप लोगों की सबकी भी यही राय है। जी बेशक बेशक। मेरी जानिब से सबको सलाम और बहुत खुशी हुई इश्फाक हुसैन साहब करेंगे सदारत। जी तो, आदाब आदाब। थैंक यू। मैं पहले, मेरी असल में आवाज मुझे किसी की नहीं आ रही थी तो अब, जी तो थैंक यू सो मच। आजकल जी आप कहाँ रह रही हैं आजकल? मैं एडमिंटन में होती हूँ। अच्छा, मैं एडमिंटन मूव कर गई थी, मेरे सब बच्चों की यहाँ पर जॉब्स हो गई थी। अच्छा, तो मैं अपने बच्चों के साथ ही पहले सऊदी अरब में थे ना आप पहले? शायद अभी नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, अभी हमारे दो तीन शायर नहीं आए हैं और तो थोड़ा सा दो तीन मिनट और इंतजार कर लेते हैं, शायद उनको एंटर होने में प्रॉब्लम हो रही है या जी। अभी तक वो मुस्लिम अलवी पाकिस्तान से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं मगर देखें। और हिना अमरीन तारिक जो है टोरंटो से, वो भी अभी नहीं पहुंची हैं। ज़ेबुनिसा ज़ेबी नहीं पहुंची हैं, रेहाना रूही नहीं पहुंची हैं। तो जैसे ये बाकी शायर भी आते हैं, दो चार मिनट देते हैं हम। हाँ चलिए, क्योंकि अगर नहीं आए तो क्योंकि फिर उसके बाद हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सीनियरिटी के लिहाज से जो भी लिस्ट बनाई है, अगर वो लोग सीनियर शायर के बाद आते हैं तो फिर आई एम सॉरी। देख लिए फिर इसमें साहिब सदर अशफाक साहब जो तरतीब बनाएंगे बेहतर रहेगा।
अशफाक साहब तरतीब तो ने किश्वर ने बनाई हुई है। नहीं मजबूरी होती है, अगर कोई नहीं आ सका कोई बात नहीं। हाँ मजबूरी है। हाँ जी मुस्लिम अलवी साहब आपकी आवाज आवाज जरा बोल के बताइए। या वो अभी ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम किश्वर सहरा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आपसे जो है इसी तरह मुलाकात होनी थी। फेसबुक हाँ, पे मुलाकात होती है। जी जी बस हमें तो अपने आपके कॉलेज के जमाना याद आता है जब आप डिबेट बोला करती थी मुनव्वर के साथ में, तो उस वक्त की यादें ताजा हैं, लेकिन अब जमाना काफी बदल गया है और वक्त जाहिर है हम भी बदल गए आप भी बदल गए। जी 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 अरसा गुजर गया है। जी बहुत बहुत जमाना गुजर गया, लेकिन आप जिस तरीके से उर्दू की खिदमत कर रही हैं और मुशायरे मुनाकिद करती हैं वाकई वो आपका ही हिस्सा है। जी शुरू तो अशफाक भाई ने किया था और इन्हीं के तो इसी तरह से ये कनाडा में फिर शुरू हुआ सारा। जी जी और एडमिंटन में जितना मैं कर सकती थी विनोद भाई भी हमारे साथ थे जी, और अब ये विक्टोरिया चले गए हैं। काफी हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था डॉक्टर सलीम कुरैशी तो अब रहे नहीं तो डॉक्टर खालिक ने मुझसे कहा था कि ये अब तुम चलाओगी। मैं नहीं चला सकता। आखिरी मुशायरे में 83 में वो बहुत परेशान हो गए थे। ज्यादा लोग आ गए थे ना। ज़ेबुनिसा ज़ेबुनिसा का उसमें रईस अमरोवी साहब थे, जगन्नाथ चैनल खत्ती थे, मगर बाद में सारे सब शायरों ने उनको बहुत तंग किया था, उन्होंने कानों पे हाथ रख ली। मेरे सामने जो लड़ाई हुई है वो मेरे खुदा आप थे विनोद। हाँ विनोद साहब थे। नहीं आप थे उस लड़ाई में। लड़ाई में मुनीर नियाजी और जगन्नाथ बिचारों की हालत तबाह कर दी थी। हसन आबिद साहब थे, प्रोफेसर हसन आबिद थे, काफी बड़ा गुरु। मैं तो उसमें मुशायरे में नहीं था, यहीं से छोड़ दिया। लेकिन मैं थी पहले मुशायरे तो हो गए थे मगर वो फिर बहुत दिन तक शायरियां कह रहे थे और आखिरी लड़ाई राजे मल्होत्रा के घर हुई। किश्वर नाहिद ने बहुत ठंडा करने की कोशिश की बिचारी ने। मुझे लगता है शायर और लड़ाई लाजिम और मज़ूम है। नहीं नहीं वो बुजुर्ग थे दोनों अपने सीनियर नियाजी और जगन्नाथ। बस वो जरा कोई बात भी नहीं थी, वो नशे है ना बस एक दिल से कोई जो टूट गई वो मुख में देखा नहीं कि दुनिया है। उसमें आप यू डोंट बॉदर फिर से एक बार फिर से क्या शेर है। बस एक दिल से कोई चीज थी, मेरा नहीं है ये, बस एक दिल से कोई चीज थी जो टूट गई नशे की झोंक में सोचा नहीं कि दुनिया है। दुनियादारी में ऐसे मामला हो। चलिए ज़ेबुन्निसा आ गई हैं। ज़ेबुन्निसा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है खैरियत है। आप नहीं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इश्फाक साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अमरीन भी आ गई हैं, बस रेहाना रूही रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके डिट्रॉइट? ठीक आप ठीक हैं? जी मैं भी। अच्छा अच्छा राजेश शायद जरा सी देर को उठ कर चले गए यार। कौन कौन है नजर आ रहे हैं? मरीन साहब तो फाइनली हम किसी मुशायरे में हमारी सेरेमनी
पहला मुशायरा है। पंखा बिल्कुल बंद करो पंखा। चले इब्तिदा तो हुई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। नहीं एक दफा कहा मैं तो अवॉइड करता रहा पता नहीं क्यों। तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, तो जाहिर है कि अब हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। एक साल तो चलेगा या इस एक साल तो पहले नहीं, नेक्स्ट ईयर गर्मियों में के बाद जब काफी वैक्सीन जो है इस्तेमाल कर लेंगे लोग, मिलियंस में लोग लगा लेंगे तब जाके कहीं। खैर ये तो डॉक्टर ने ये बताएंगे खुद ही अम्बरी, फौरी तौर पर तो नहीं होता। बस वो इमरजेंसी में कुछ लोग अप्रूव तो कर रहे हैं। ये राजेश रेड्डी तो कहीं चले गए, लेकिन वो कहाँ चली गई? मुस्लिम अलवी भाई भी नहीं है, भी लोग आते जाते रहेंगे ना। तो थोड़ी राइट राइट राजेश आगे चले शुरू या विश्व को। तो फिर अब हम क्या हुआ सारा काम नहीं ठीक है तुम जाओ पहले। तो तुमने कर लिया था उसका तो जाएगी ना। हाँ ठीक है देख लीजिए वो बोलेंगे तो। आर वी ऑनलाइन? रिकॉर्डिंग चल रही है। हो गए? वी आर ऑनलाइन ना। तो बज़्मे सुखन की जानिब से आपकी आज की मेहमान किशोर गनी आपको खुशामदीद कहती है। आप सब जो इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं और वो सब लोग जो हमें सुन रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरा सिर्फ हमारी जबान के फरोख के लिए ही हम नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन और हमारे रहने सहने के आदाब बताता है। और जैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। वाह 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 क्या कहने बात हो। इस वक्त मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, इसको आप एक लतीफा भी कह सकते हैं। मेरे माशाल्लाह से चार पोते हैं और जाहिर है कि यहाँ कनाडा में पैदा हुए हैं, वो इंग्लिश ही बोलते हैं। एक दिन मेरा तीसरे नंबर का जो है वो ज्यादा छोटा भी था जिस वक्त, और बहुत शरारती था। तो बड़े पोते ने मुझसे कहा कि दादी मैंने हाशिम को बहुत अच्छा बच्चा बना दिया। मैंने कहा कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे तुमने क्या किया? कहने लगा मैं उसे उर्दू सिखा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इतना सा बच्चा इसके जहन में ये कैसे आया कि उर्दू सीखने से तहजीब और तमद्दुन, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन की तर्जुमानी करती। तो ये आप छोटे से बच्चे की बात देखिए जो ये कह रहा है कि मैं उर्दू सिखा रहा हूँ तो मैंने अपने भाई को बहुत तमीज का बच्चा बना दिया। तो बहरहाल ये तो एक सही हकीकत पर मबनी किस्सा था या वो एक लतीफा बन गया है। तो मैं जनाब हमारे मुशायरे के ये मैं आपको बताती चलूं अपने सामईन को जिनको पता नहीं है, जो कि हमें देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं, कि किसी जाती मजबूरी की वजह से आज अब्बास ताबिश इस मुशायरे में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने हमें वॉइस मैसेज भेजा है और उन्होंने कहा है कि उनके किसी अजीज को हार्ट अटैक हो गया है और वो इमरजेंसी में उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही हालात ठीक होंगे तो हम दो चार वीक में दोबारा फिर उनको बुलाएंगे मुशायरे में, और उन्होंने कहा है कि वो इसकी तलाफी कर देंगे। तो आज के मुशायरे की सदारत अब अशफाक हुसैन साहब कर रहे हैं। वो हमारे मुशायरे में सबसे सीनियर शायर हैं और उनसे ज्यादा मैं नहीं समझ सकती थी कि किसी और को सदारत फिर दी जाए। उनके बाद अब्बास ताबिश के बाद अशफाक हुसैन ही थे। तो इजाजत है, मैं जनाब सदर की इजाजत से मुशायरे का आगाज करती हूँ और अपनी सबसे पहली शायरा को दावत कलाम देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी शायरा है, लेकिन क्योंकि इनका ताल्लुक एडमिंटन से है और ये एडमिंटन में बज़्म सुखन से भी मुंसलिक हैं, बज़्म सुखन की सरगर्मियों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और शेर व अदब की दिलदादा हैं। इनको विरासत में एक तरह से शायरी मिली है। इनकी खाला जो हैं वो शायरा होती थी और वहीं से इनको शायरी का शौक शुरू हुआ। नुसरत अपने मुनफरिद और धीमे लहजे में जब अपनी शायरी सुनाती हैं, अपना कलाम आप तक पहुंचाती हैं, तो वो आपकी दिल की गहराइयों में उतर जाता है और एक जंतरंग से बजने लगते हैं। तो अब मैं दावत कलाम दूंगी नुसरत अजहर साहिबा को, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपना कलाम पेश करें। इरशाद जी, आपने इतना अच्छा तारुफ कराया मेरा। सदरे मोहतरम इशाक साहब की देख लो, ज्यादा से ऑनलाइन काम की एक ऐसा करती, एक तरह से सुना देती हूँ। जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। ये कदम थके थके रे, ये नजर झुकी, ये कदम थके थके से, ये नजर झुकी झुकी सी, होंठों पे है तबसुम, आँखों में कुछ नमी सी। वाह वाह, आँखों में नमी नमी, आँखों में कुछ नमी सी, तबसुम आँखों में कुछ नमी सी, दोहरा रही है शायद माजी के कुछ फसाने, दोहरा रही है शायद माजी के कुछ फसाने। आवाज सुनती है, आवाज जरा हल्की है। दिल की धड़कनों में हलचल मची हुई, वाह वाह क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या कहने, छेड़ो रहने दो अब खुदारा है भा तो वाह 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 क्या बात, वाह वाह बात तो जरा सी बन जाएगी बड़ी सी, शायद कहीं हमारा अजकार हो रहा है, शायद कहीं हमारा रेहाना जल्दी से
पहले ही आ गई थी, लगी दिल को पहले ही आ गई थी, क्या नाम दूं मैं इसको, अब तुम कुछ बताओ, चम्मा जल रही है लेकिन बुझी बुझी सी, चम्मा जल रही है चश्मों से प्यार की होराब अहले गुलशन, नुजहत नहीं है जेबा तुमको ये बेरुखी, नुजहत नहीं है जेबा तुमको ये बेरुखी थी, ये कदम थके थके से नजर झुकी झुकी थी, होंठों पे है तबस्सुम आंखों में कुछ नमी, बहुत अच्छी नजर साहब, बहुत अच्छी मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा कि मैं कुछ और पढ़ सकूं तो और अगर नहीं तो चलिए ठीक है फिर मैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत उम्दा साहब। हमारे मुशायरे की दूसरी शायरा जो है उनका ताल्लुक भी एडमिंटन से है, वो कभी एडमिंटन में होती हैं, कभी टोरंटो चली जाती हैं, कभी अमेरिका चली जाती हैं, कभी पाकिस्तान में होती हैं। चलिए इस वक्त वो मिल गई हैं, तो मैंने फिर उन्हें एडमिंटन ही में पकड़ लिया, और इससे पहले वो मुझे काफी मुशायरों में नहीं मिल रही थी, तो इनका ताल्लुक भी एडमिंटन से है, और एडमिंटन हमारे मुशायरों में बज़्म सुखन के काफी मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं, शायरी इनको भी मोरूसी ही मिली है, और इन्होंने काफी मुशायरों में शिरकत की है, और जिससे कनाडा आने के बाद इन्होंने और भी मुशायरों में शिरकत की, जिससे इनको और ज्यादा हिम्मत हुई, और फिर इन्होंने ना सिर्फ शायरी की है बल्कि इसके साथ साथ ये अफसाना निगारी भी करती हैं, कुछ किताबों के इन्होंने तर्जुमे भी किए हैं, और हिंदुस्तान के कुछ रिसाइल में इनकी शायरी और अफसाने भी शायर हो चुके हैं। इनका एक शेर है कि मावरा हो जाऊंगी जहरा में अपनी जात से, मावरा हो जाऊंगी जहरा में अपनी जात से, एक दिन मेरा मकां भी लामकां हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा क्या, अच्छा का। तो मैं दावत कलाम देती हूँ कल जहरा साहिबा को कि वो आए और अपना कलाम अता करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू किशोर जी, आपने मेरा तारुफ कराया, और बस मैं कहा कुछ एक छोटी सी लजीज सी चीज हो, तो मैं इशफाक हुसैन साहब की इजाजत से, सदर साहब की इजाजत से पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मेरी एक गजल है जो कि मैंने फिल बदी ऑनलाइन मुशायरे में कही थी, हनूज इश्क में शोला सजल बुझा क्या है, हनूज इश्क में शोला सजल बुझा क्या है,
न जाने आज भी वहशत में सर फिरा क्या है, न जाने आज भी वहशत में सर फिरा क्या है। बाबा फकीर आए थे महफिल में तेरी सुनने को, फकीर आए थे महफिल में तेरी सुनने को, वो बात तुझ में सुनाने का हौसला क्या है, वो बात तुझ में सुनाने का हौसला क्या है। वफा है मुझसे खफा और तू खफा मुझसे, वाह वाह। वफा है मुझसे खफा, मुझसे खफा और तू खफा मुझसे, वफा है मुझसे खफा और तू खफा मुझसे। तो ए खुदा सॉरी, जरा ये देख जफा ने तेरी किया क्या है, हाँ जरा ये देख जफा ने तेरी किया क्या है, जफा ने तेरी किया क्या है। ये मेरा सब्र भी जो काम मेरे आ न सका, जो मेरा सब्र भी जो मेरे काम आ न सका, आ न सका। ये मेरा सब्र भी जो काम मेरे आ न सका, तो ए खुदा ये मेरा तुझ पे आसरा क्या है। तो ए खुदा ये मेरा तुझ पे आसरा क्या है। सदाए शौक को महमीज कर रही है हवा, सदाए शौक को महमीज कर रही है हवा। बिसात अपनी वगरना यहाँ सिवा क्या है, अपनी वगरना यहाँ सिवा क्या है, क्या है। ये खाक के देश है या है ये खाक के कर्ब बला, ये खाक के देश है या है ये खाक के कर्ब बला। लहू से करते हैं सैराब माजरा क्या है, समझना चाहो तो जहरा से जीत को समझो, समझना चाहो तो जहरा से जीत समझो। मनो तू मुआमला क्या है, नफीस बात मनो तू मुआमला क्या है, हदूस इश्क में शोला सजल बुझा क्या है, में सर फिरा क्या है। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कलाम पेश किया आपने। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रही हूँ वो हमसे ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, वैसे भी वो दिलों के बहुत करीब हैं, क्योंकि बहुत अरसे उनका कयाम एडमिंटन में रहा और उसके बाद 35 ईयर्स के बाद अचानक वो यहाँ से चले गए और विक्टोरिया उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया। ये बहुत ही बाकमाल शायर हैं, ना सिर्फ शायर हैं बल्कि म्यूजिक से भी इनको लगाव है और बांसुरी इतनी खूबसूरत बजाते हैं कि आपका दिल झूम झूम जाता है, बांसुरी में आपको पूरी दुनिया की सैर करवा देते हैं। और ये बज़्म सुखन से भी बहुत मुंसलिक रहे हैं, बज़्म सुखन के साथ शुरू से ये थे लेकिन फिर बज़्म सुखन की महफिलों को बहुत ही जगमगाते रहे हैं। और इनकी दो किताबें हैं जिनका नाम है तन्हाइयां और परछाइयां। शायरी के साथ साथ नसर से भी इनका लगाव रहा है और साथ में ये इनका बड़े सीनियर शायरों के साथ उठना बैठना रहा है, सरदार जाफरी, जमीलुद्दीन आली, खुमार बारा बंकवी। और साथ ये है कि इनका तरन्नुम इतना खूबसूरत है के तरन्नुम से ये अपनी शायरी में और चार चांद लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे मौसीकार हैं, इन्होंने मेरी भी कुछ गजलें गाई हैं। तो इनका एक शेर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी के काफले में स
सब लौट लौट जाते हैं, जाने कैसे हम सफर हैं, छूट छूट जाते हैं। ये इनकी जिंदगी की कहानी है जो कि इन्होंने इन शेरों में समोई है। जिंदगी के काफले सब लूट लूट जाते हैं, जाने कैसे हम सफर हैं, छूट छूट जाते हैं। आईने में ढूंढते हैं हम रजा अपना वजूद, रजा इनका तखल्लुस है। आईने में ढूंढते हैं हम रजा अपना वजूद, आईने तो आईने हैं टूट टूट जाते हैं। अच्छा, तो मैं अब दरख्वास्त करूंगी विनोद भारद्वाज और उनका जो नाम है शायरी में वो है नाशाद रजा जौनपुरी। तो मैं नाशाद रजा जौनपुरी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपना कलाम अता करें। चंद शेर हैं। मोहब्बतों के सिले अब मिला नहीं करते, मोहब्बतों के सिले अब मिला नहीं करते, मोहब्बतों के सिले अब मिला नहीं करते, जो फूल सूख गए खिला नहीं करते। फटा ही रहने दो नाशाद अब रफू न करो, हटा ही रहने दो नाशाद अब रफू न करो, कि कच्चे धागों से दामन सिला नहीं करते। कि कच्चे धागों से दामन सिला नहीं करते। एक बार हमने खुमार बारा वंकवी साहब से पूछा कि डिफाइन अ गुड शेर, तो वो कहते हैं देखिए मियां आप जो भी कहें, आपको शेर अच्छा लग रहा है कि नहीं वो जाने दीजिए, अगर आपने पब्लिक के दिल की बात अगर कही और उनके दिल को छुआ तो वो शेर आपका कामयाब शेर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो उस उनकी जो एडवाइस थी उसको इस तरीके से हमने बांध दिया कि आप ही की दास्तां हमने सुनाई आपको। बहुत अच्छे, दास्तां हमने सुनाई आपको, और आप ही की थी शबी हमने दिखाई आपको, और जिसको पीकर आपको सब जाम जामे दम लगे, जिसको पीकर आपको सब जाम जामे जम लगे, थी मैं गम आपकी हमने पिलाई आप। रह शौक में वो तेरे कदम, जो रुके तो रुकते चले गए। रह शौक में वो तेरे कदम, जो रुके तो रुकते चले गए। किसी सिमत तुम किसी सिमत हम, जो बढ़े तो बढ़ते चले गए। आँक में वो तेरे कदम। क्या बात है, वाह वाह। अर्जय बहुत शुक्रिया। वो जो उन्स था वो जो शौक था, वो जो इश्क था वो जो शौक था। क्या बात है, वाह। वो जो उन्स था वो जो शौक था, वो जो इश्क था वो जो शौक था, वो जो दर्मियां थे कई अहम,
जो मिटे तो मिट चले। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वो जो प्रेमियां थे कई वहम, जो मिटे तो मिटते चले गए। तो जुबान पर भी ना सके, और जिसे दिल ने चाहा भुला सके। क्या कहने, जो जुबान पर भी ना सके, जिसे दिल ने चाहा भुला सके, उन्हीं हसरतों के वो अश्क नम जो ढले ढलते चले चले गए। वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, वाह बहुत सुंदर, फिर पढ़िए ना। और जो निहाद वो निहाद दिलों में जो राज थे, जो सितम थे, जो सितम थे तेरे जो नाज थे। वाह वाह वाह, वो निहाद दिलों में जो राज थे, जो सितम थे तेरे जो नाज थे, तेरी जुल्फ जैसे हो खम बखम, जो खुले तो खुलते चले गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहें। और जो किसी दीवाने का फलसफा जैसे रेत पर कोई न क्यों, किसी दीवाने का फलसफा जैसे रेत पर कोई नक्शपा, थे दोस्ती के सभी भरम, जो मिटे तो मिटते चले गए। क्या बात है, तो मिटते चले गए। यूं रजा हुए हैं चिराग हम, जैसे आंधियों में हो दम बदम, जो बुझे तो बुझते गए हम, जो जले तो जलते चले गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद है आपकी ये गजल जमीलुद्दीन अली को बहुत पसंद थी तो काफी अरसे के बाद आपने ये सुनाई है तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और अब हम मुशायरे को और आगे बढ़ाते हैं, और अभी हम कनाडा ही में घूम रहे हैं, तो हमारे मुशायरे की अब जो शायरा आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगी, पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, और इनका ताल्लुक वैसे तो कराची से है, काफी अरसे वो सऊदी अरेबिया में भी रहीं, और अब आजकल कनाडा में विंडसर अंटारियो में वो मुकीम है। दिलकश शख्सियत की मालिक ये नौजवान शायरा बहुत ही खूबसूरत शायरी करती हैं, गजल और नज्म दोनों ही असनाफ में इन्होंने लिखा है, और गुज़िश्ता कई वर्षों से लिख रही हैं, मगर बाकायदा मुशायरों का आगाज उन्होंने अभी 4-5 साल से किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे और अपने बच्चों के साथ बहुत मसरूफ थी। और उनकी शायरी का पहला मजमुआ अब तकमील के मराहिल में है, और उसका नाम है उजाले बांट देना तुम। ये उजाले बांट देना तुम,
उजाले बांट देना तुम इशाद के आखिरी मराहिल में है, कई अदबी अंजुमनों से मुंसलिक हैं और कनाडा में भी उन्होंने एक अजबी अदबी तंजीम की बुनियाद डाली है और उसका नाम उन्होंने डॉग उर्दू फार्म रखा है। इनका एक शेर समाज फरमाइए, विरासतों की किताब खोली तो नाम मेरा कहीं नहीं था, विरासतों की किताब खोली तो नाम मेरा कहीं नहीं था, मैं चुप थी सोचा कि इसमें शायद मेरे कबीले की भी रजा थी, मैं चुप थी सोचा कि शायद इसमें मेरे कबीले की भी रजा थी। तो इसके साथ ही मैं दावत कलाम देती हूँ डॉक्टर हिना अमरीन तारिक को कि वो आए और अपना कलाम अता करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो कहीं चली गई है। हिना जी आ गई, शुरू करिए, आपका आवाज सुनाई दे रही है। जी आ गई, सॉरी एग्जिट हो गया था। जी इरशाद, हिना साहिबा। अच्छा मेरी मेरी कॉल है, एक सेकंड। आपने शायद सुना नहीं था। नहीं मैं वो अमरीन साहब के लिए, मेरा जूम जो है वो डाउन हो गया था, अभी मैंने ऑन किया दोबारा। तो साहिब सदर की इजाजत से, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको देख के और आप सबके सामने अपना कलाम पेश करने की एक अलग एक्साइटमेंट है। रियाना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम। एक ताजा नजर किशोर गनी और शौक साहब की इजाजत से, यहाँ बिन मौसमों की बारिशों का सिलसिला है, यहाँ बिन मौसमों की बारिशों का सिलसिला है, सिलसिला है नमू की मुंतजर कुछ कोंपलों का सिलसिला है, नमू की मुंतजर कुछ कोंपलों का सिलसिला है, सिलसिला है और फलक से जो भी उतरे क्या गिला उसका के यूं भी, फलक से जो भी उतरे उसका के यूं भी, जमी पर सांस लेती ख्वाहिशों का सिलसिला है, और जुनून इश्क के रस्ते में है एक ऐसा दरिया, जुनून इश्क के रस्ते में है एक ऐसा दरिया, वाह, तैरते टूटे घड़ों का सिलसिला है, वाह वाह वाह, ताजा गजल है, जहाँ पर तैरते टूटे घड़ों का सिलसिला है, और क्या बात है, शेर हम सबके लिए, ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो, हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो, बहुत ही दूर तक इन टोलियों का सिलसिला, सिलसिला हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आदा क्या बात है, शिकस्ता ख्वाब अपने एक जानिब रख दिए अब, शिकस्ता ख्वाब अपने एक जानिब रख दिए अब, मुझे दरपेश इन वीरानियों का सिलसिला है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया, और कमरे में भी है रथ जगों का रक्स और कुछ, मेरे कमरे में भी है रथ जगों का रक्स और कुछ, मेरे दिल में भी फैली वहशतों का सिलसिला है, बहुत और कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, कहीं पे तीरगी फैली हुई है आसमां तक, कहीं पर रोशनी के दायरों का सिलसिला है, रोशनी के दायरों का सिलसिला, क्या बात है, और मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, मोहब्बत से हवाओं ने दिलाया, गुनगुनाती खुशबुओं का सिलसिला है, गुनगुनाती खुशबुओं का सिलसिला है, बहुत अलग। एक और गजल के चंद अशआर जरूर जरूर की इजाजत है तो जी फरमाए फरमाए, फीकी सुबह फीका सूरज,
फीकी फीका सूरज रूठी शामे ढलता सूरज। वाह क्या बात है। सुबह फीका सूरज रूठी शामे ढलता सूरज रब से जाकर पूछूंगी ये रब से जाकर पूछूंगी रब से जाकर ये पूछूंगी कैसी दुनिया कैसा सूरज कैसा फैसला। वाह जाकर ये पूछूंगी कैसी अच्छा दुनिया कैसा सूरज। अच्छा ये मैं छोटा छोटा लिखा हुआ है देख के पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। धरती की हर शय कहती है धरती की हर शय कहती है क्यों है रूठा रूठा सूरज। धरती की हर शय कहती है क्यों है रूठा रूठा सूरज और तुझसे वाबस्ता थी दुनिया तुझसे वाबस्ता थी दुनिया मैंने तुझको समझा सूरज। तुझसे वाबस्ता थी दुनिया मैंने सूरज। बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जीते मरते हर दिन सोचा जीते मरते हर दिन सोचा किस्मत में कैसा सूरज। जीते मरते हर दिन सोचा किस्मत में है कैसा सूरज। और मैंने ख्वाबों की वादी में मैंने ख्वाबों की वादी में सचमुच ढलते देखा सूरज। रूठी शामे बहुत शुक्रिया अमरीन साहब बहुत शुक्रिया अमरीन साहब बहुत अच्छा हिना। तो अभी हम कनाडा में ही घूम रहे हैं और मैं निजामत करते करते ये भूल गई थी कि मुझे भी कुछ कुछ थोड़ा कुछ पढ़ना है अपना कलाम पेश करना है। तो जनाबे सदर की इजाजत से मैं गजल पेश करना चाहूंगी। शायरी में मेरा इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है मेरा ज्यादा नाम जो है वो आप लोगों को सबको मालूम है कि डिबेटर की हैसियत से है मगर मुबाहिसों में भी मैंने पाकिस्तान ही से मैं भी काफी हिस्सा लिया रेडियो पाकिस्तान कराची के मुशायरों में हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटी में और वहां तो मैं खैर हिस्सा लेती ही थी लेकिन शायरी की मेरी एक किताब तैयार हो चुकी है बज़्म सुखन के ही नाम से और देखिए इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो इसे जरूर छपवाऊंगी। तो एक गजल पेश कर रही हूँ। इरशाद फरमाए जब ये गम रूह के एहसास में ढल जाएंगे। क्या बात है वाह। जब ये गम रूह के एहसास में ढल जाएंगे तलखिये जीस्त के अंदाज बदल जाएंगे। क्या बात है तलखिये जीस्त के अंदाज बदल जाएंगे। झेल जाएंगे गमे दहर की हर आग तो हम। क्या बात है वाह। झेल जाएंगे गमे दहर की हर आग तो हम अपने ही शोले एहसास में जल जाएंगे जल जाएंगे। अपने ही शोले एहसास में जल जाएंगे। और शेर समात फरमाइए मंजिले शौक जो मिल जाए तो सब रंज कबूल। क्या बात है मंजिले शौक मिल जाए तो सब रंज कबूल। मंजिले शौक जो मिल जाए तो सब रंज कबूल। रंज कबूल कांटों का क्या है ये निकल जाएंगे निकल जाएंगे। वाह 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 वाह। के कांटों का क्या है क्या है ये निकल जाएंगे। वाह वाह वाह। और आप चाहें तो सही आप चाहें तो सही हम तो वो सादा दिल हैं। आप चाहें तो सही हम तो सादा दिल हैं। सिर्फ एक हर्फ तसल्ली से बहल जाएंगे बहल जाएंगे। वाह वाह। सिर्फ एक फिर पढ़िए मुकर्रर मुकर्रर भाई मुकर्रर। वाह वाह वाह। सिर्फ एक हर्फ तसल्ली से बहल जाएंगे सादा दिल हैं हम वो सादा दिल हैं। आप चाहें तो सही हम तो वो सादा दिल हैं।
सिर्फ एक हर्फ तसल्ली से क्या कहने क्या कहने खुशनासी का तो एहसास जरा होने दो खुशनासी का तो एहसास जरा होने दो लड़खड़ाते हुए ये लोग संभल जाएंगे और आखिरी शेर पेश खिदमत है हमने माना के चिराग सहरी हैं हम लोग गर्दिशे वक्त तेरा रुख तो बदल जाएंगे गर्दिशे वक्त तेरा रुख तो बदल जाएंगे और मक्ता पेश खिदमत है रहबरे अज़्म सदाकत हो तो फिर ऐ किश्वर रहबरे अज़्म सदाकत हो तो फिर ऐ किश्वर रहज़नों दुस्त के खदशात भी टल जाएंगे वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत उम्दा तो थोड़ी सी मेरी कोशिश है शायरी में बहुत ज्यादा तो मैंने तो ये है कि हाँ उर्दू के फरोग के लिए बहुत काम किया एडमिंटन में अशफाक भाई की रहनुमाई में और फिर यहाँ पर मुझे काफी लोगों ने हिम्मत बंधाई डॉक्टर खालिक ने डॉक्टर सलीम कुरैशी ने और अभी तक ये उर्दू का चिराग जलाया हुआ है और अब तो बज़्म सुखन एक तनावर दरख्त बन गई है हमारा माशाल्लाह से अपना अपनी ऑफिस बिल्डिंग है अपना ऑफिस है एम्प्लॉइज हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और नई नस्ल में से मैं तलाश कर रही हूँ कि कोई ऐसे लोग मुझे यहाँ मिल जाएं जो इस अलम को लेकर आगे चलें देखिए दुआ करिए कि ये मेरी कोशिश रायगा ना जाए आमीन 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 क्योंकि अब मैंने बुनियाद तो रख दी है और बुनियाद भी बहुत मजबूत हो गई है बुनियाद बहुत मजबूत है तो जितनी मेहनत और जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी है दूसरों को इतनी ज्यादा जद्दोजहद जो है नहीं करनी पड़ेगी जरूर तो उम्मीद है कि वो लोग भी इसी तरह से मेहनत करेंगे जिस तरह मैं मेहनत कर रही हूँ मेहनत का फल तो मिलता ही है तो अब हम एडमिंटन से पाकिस्तान की तरफ चलते एडमिंटन से नहीं बल्कि कनाडा से हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं क्या बात है और जिस अदबी शख्सियत को मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ उनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है शेरो शायरी उन्हें भी विरसे में मिली है और जमाने तालिब इल्मी से ये अदबी सरगर्मियों में बहुत मसरूफ रहे हैं मुकर्रर भी रहे हैं हमारे साथ इन्होंने मुशायरों में भी हिस्सा लिया है मुशायरों में भी शिरकत की है और शेर व शायरी की महफिलों में भी शरीक होते रहते हैं इनकी इनके कलाम की पहली किताब का नाम है प्यार का आंगन और दूसरे मजमूए कलाम का नाम है दरीचाए उल्फत और तीसरा मजमूए कलाम अभी जेरे तकमील है और इनका कहना है कि उसका नाम ये शीरी सुखन रखेंगे तरन्नुम इनके कलाम को भी बहुत चार चांद लगा देता है तरन्नुम में इनका जवाब नहीं है और मैं इनका कोई शेर पढ़ने की जसारत भी नहीं करूंगी इसलिए कि इन्हीं के तरन्नुम में इनकी शायरी आप सुने तो ज्यादा बेहतर है क्या नाम? तो मैं दावत कलाम दूंगी मुस्लिम अलवी साहब को कि वो आए और अपना कलाम अता करें क्या बहुत बहुत शुक्रिया
ईश्वर जोरा साहबा, सबसे पहले मैं बज़्म सुखन एंड कल्चरल सोसाइटी एडमिन की रूरवा मोहतरमा किश्वर गनी साहबा का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस आलमी मुशायरे में दावत सुखन दी। वो एक तवील अरसे से कनाडा में बहुत कामयाब मुशायरे मुनक़िद करती रही हैं। हमारे लिए किश्वर गनी और उनकी बहन मोहतरमा मुनवर कलीमी साहिबा की शख्सियत हरगिज़ नई नहीं है। इसके लिए हमें ज़रा माजी के झरोकों की तरफ झांकना पड़ेगा। जब तालिबिल्मी के ज़माने में कराची और पाकिस्तान के बेशतर कॉलेजों और जामियात में इन्हीं दोनों बहनों का तूती बोलता था। वो अपने ज़माने की बेहतरीन मुकर्रा रही हैं और हमें ये इकरार करने में ज़रा भी आर नहीं है कि इन दोनों बहनों की मौजूदगी के दौरान हमने बमुश्किल तमामी शायद कोई मुबासा जीता हो और कोई जीत भी नहीं सकता। ताहम आज इस माजी से निकल कर हम और किश्वर गनी साहिबा बहसियत शायर और शायरा मौजूद हैं और उनकी और साहिब सदर जनाब अशफाक हुसैन साहब की इजाज़त से ये गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इरशाद जनाब, इरशाद इरशाद आपकी समातों की नज़र। इरशाद जनाब जी, भुलाने को माजी का जी चाहता है, भुलाने को माजी का जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने का जी चाहता है, भुलाने को माजी का जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने का जी चाहता है, तेरे प्यार का जब से आंगन मिला है, मेरा घर बसाने का जी चाहता है, भुलाने को माजी का जी चाहता है, मेरा मुस्कुराने का जी चाहता है, तेरे प्यार का जब से आंगन मिला है, मेरा घर बसाने का जी चाहता है। इनाम बरीन तारीख आपकी नजर ये शेर है, क्या बात है। नजरें चुरा कर हमें देखते हैं, क्या बात है। अच्छा, नजरें चुरा कर हमें देखते हैं, जो नजरें चुरा कर हमें देखते हैं, उन्हीं को चुराने का जी चाहता क्या बात है, तारीख की है। जो नजरें चुरा कर हमें देखते हैं, जो नजरें चुरा कर हमें देखते हैं, क्या खूब है। को चुराने का जी चाहता है। पहले मुमतना क्या कहने। मोहतरमा जेबी साहिबा से हमारी ये आज पहली मुलाकात है और उनकी नजर ये मैं शेयर कर रहा हूँ। वो जाने गजल मेरी जब से हुए हैं, वो जाने गजल मेरी जब से हुए हैं, वो जाने गजल मेरी जब से हुए हैं, उन्हें गुनगुनाने का जी चाहता है, वो जाने गजल मेरी जब से हुए हैं, उन्हें गुनगुनाने का जी चाहता है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर होने के नाते हमने जो है वो सेंट लॉरेंस रिवर है और झील एंटेरियो है और नियाग्रा फॉल है और सबकी सैर की है और इसी तनाजुर में ये शेर में किश्वर गनी साहिबा की तवज्जो चाहता हूँ। तेरी झील से गहरी आंखें जो देखूं, वाह, तेरी झील से गहरी आंखें जो देखूं, तेरी झील से गहरी आंखें जो देखूं, मेरा डूब जाने का जी चाहता है, लग रहा था जी। शुक्रिया आपने सारी शायरा एक शेर कह दी। तेरी झील से गहरी आंखें जो देखूं, मेरा डूब जाने का जी चाहता है,
रेहाना रूही साहिबा, रेहाना रूही साहिबा हमारे साथ, हम इनके साथ बहुत से मुशायरों में शरीक रहे हैं, आज उनको ये देखकर बहुत खुशी हो रही है और उनके लिए भी ये शेर है। भी बहुत अच्छी लगा। ओ। ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, के पीने पिलाने का जी चाहता है। ये वाजे वाजे रहे कि इनकी बेगम का नाम रूही है, ये मेरा नाम बिना वजह ले रहे हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, ये आँखों के सागर, वाह वाह, ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, ये आँखों के सागर हमें आज दे दो, के पीने पिलाने का जी चाहता है। क्या बात है, आखरी, बाद अच्छो, बाद अच्छो। और ये आखिरी शेर है जनाब अशफाक हुसैन साहब की नजर कर रहा हूँ। रकीबों का शायद हमें देख कर फिर, रकीबों का शायद हमें देख कर फिर, रकीबों का शायद हमें देख कर फिर, नया गुल खिलाने का जी चाहता है। रकीबों का शायद हमें देख कर फिर, नया गुल खिलाने का जी चाहता है, तेरे प्यार का जब से आंगन मिला है, मेरा घर बसाने का जी चाहता है। बहुत शुक्रिया। एक और गजल पेश कीजिए। एक और गजल पेश कर रहे हैं, बहुत बहुत आपकी फरमाइश जो है वो। आप इतनी दूर पाकिस्तान से हमारे सामने अपना कलाम सुनाने आए हैं। चलिए ये आप पे एक गजल और पेश करता हूँ, उसके कुछ अशआर हैं, और मॉन्ट्रियल हो चाहे टोरंटो हो चाहे एडमिंटन हो, ये सब मोहब्बतों के शहर हैं और आप लोग तो मोहब्बत बांट रहे हैं। बहरहाल ये शेर में आप लोगों की नजर गजल करता हूँ। शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, जितना समझते हैं सब हमको इतने हम बदनाम नहीं। शेर मोहब्बत में हाँ बेशक इतना मेरा नाम नहीं, जितना समझते हैं सब हमको इतने हम बदनाम नहीं। सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबू अब साथ नहीं, सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबू अब साथ नहीं, सागर मीना छोड़ दिए हैं, जाम सुबू अब साथ नहीं, जब से मिली है आंखें सागर मांगा हमने जाम नहीं, जब से मिली है आंखें सागर मांगा हमने जाम नहीं, नगमय रंगी भूल चुके हैं, रक्स सुरैया याद नहीं, नगमय रंगी भूल चुके हैं, रक्स सुरैया याद नहीं, दर्द के झिलमिल तारों से अब कोई हमको काम नहीं, दर्द के झिलमिल तारों से अब कोई हमको काम नहीं,
हम मर्चेंट रेवी में रहे हैं और मैंने जैसे अर्ज किया था तो हमारे पास सारे चाहने वालों के, घर वालों के और दोस्तों के खत मिलते थे। तो उस तनाजुर में ये शेर देखिए क्या, खत तो मिले हैं अक्सर जाना लेकिन अब ये राज खुला। वाह। खत तो मिले हैं अक्सर जाना लेकिन अब ये राज खुला। कुछ तो लिखे थे खून से तुमने, कुछ पे अपना नाम नहीं। वाह। तो मिले हैं अक्सर जाना लेकिन अब ये राज खुला। कुछ तो लिखे थे खून से तुमने, कुछ पे अपना नाम नहीं। और आखिरी शेर है, जुल्मते हिजरा शाम बहारा जब तुम चाहो तब ही मिले। क्या बात है। जुल्मते हिजरा शाम बहारा जब तुम चाहो तब ही मिले। वसल से बढ़कर लेकिन देखो कोई रंगी शाम नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। जुल्मत हिजरा शाम बहारा जब तुम चाहो तब ही मिले। वसल से बढ़कर लेकिन देखो कोई रंगी शाम नहीं। सागर मीना छोड़ दिए हैं जाम सुबू अब साथ नहीं। जब से मिली है आंखें सागर मांगा हमने जाम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने मलवी साहब। एक तो आपने मेरे शेर कराची और तालिब इल्मी के जमाने की याद दिला दी। वो यादें फिर से दोबारा ताजा हो गई। बेशक बेशक, वक्त तो वापिस नहीं आ सकता। जी जी, क्योंकि ये अदबी ज़ौक क्योंकि शायद घुट्टी में पड़ा हुआ है तो इस उम्र तक आते आते भी वो कुछ कम नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कोई और शक्ल सरगर्मियां अभी तक जारी है। हाँ, कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है वो। जी, तो अब यहाँ पर तकरीरें तो नहीं हो सकती थी। जी बेटे, हाँ। के वर्कशॉप वगैरह चलती रहती है। जी जी जी, तो लेकिन दूसरे भी मेरी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं इस मुशायरों के और शायरी। आप जो है वहाँ एडमिंटन में काफी दूर हैं यहाँ से, टोरंटो से, मिसिसागा से और एडमिंटन से, वहाँ से क्या ना मिल्टन से, वरना हमारे साहिबजादे वहाँ हैं तो देखिए हमारा आना होगा तो फिर देखिए शायद आपसे बनफ्शा नफीस से मुलाकात। नहीं, जरूर बताइए, बल्कि अगर आप आएंगे तो हम एडमिंटन भी बुलाएंगे आपको। मेरे दोनों बेटे टोरंटो में है माशाल्लाह से, और मुनव्वर भी है, दोनों जो है टोरंटो पहुंच गए, मुझे अकेला यहाँ छोड़ दे। वो तो हम आपकी फेसबुक के ऊपर चीजें देखते रहते थे और आपके खाने देखते रहते थे, जो आपकी बच्चियां जो सब लेकर आती थी आपके लिए। बहुत मोहब्बत है, बहुत तो मेरा आपको चाहने वाली। महीना ही चक्कर लगता था लेकिन ये कोविड 19 की वजह से वो भी बेचारे मुझे मिस कर रहे हैं और मैं भी मिस कर रही हूँ। आगे चला जाएगा, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो अब हम जब कराची पहुंच ही गए हैं तो लगे हाथों अब यहाँ आपकी मुलाकात एक और कराची ही की शायरा से करा देते हैं और उनका कलाम आपको सुनवा देते हैं। ये बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं और ना सिर्फ ये एक शायरा हैं बल्कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कुछ हैं। जब इनका पूरा तारुफ पढ़ा तो मैंने कहा कि अगर मैं ये तारुफ आपको बताने लगी तो शायद मुशायरा तो फिर नहीं हो सकेगा। तो मैं मुख्तसर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वो नाविल नवीस भी हैं, कालम निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नक्काद भी हैं, माहिर तालीम, स्कॉलर, समाजी वर्कर, सहाफी और साबिक गवर्नर गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत कुछ हैं। बस ये समझ लीजिए कि वो अदबी
और जिंदगी के किसी भी शोबे में पीछे नहीं रही हैं। 85 से ज्यादा किताबें उनकी हैं। मैंने कभी इतनी किताबें इतने तो इनसे भी याद नहीं होंगे। और 25 किताबों के मुसव्वदे तैयार हैं जो कि इशाद के लिए तैयार हैं। अगर जैसा कि मैंने कहा कि उनका तफसीली तारुफ कराने लगी तो फिर आज का मुशायरा तो नहीं हो सकेगा, ये हमें मुलतवी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम इनका कलाम सुन लेते हैं। तो मैं दावत कलाम देती हूँ जेबी साहिबा को। ईश्वर बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी अशफाक साहब से इजाजत के साथ। और ये सारी बातें जो आपने कही, सिर्फ दो बातें मैं बताना चाह रही हूँ। मेरी असल में मैंने नज्म की 70 असनाफ पे शायरी की है और वो अशफाक साहब के पास कुलियात है मेरी सुखन तमाम। और यही एक अहम काम था जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है कि मैंने नज्म की 70 असनाफ पे शायरी की और उसकी उनकी असनाफ की टेक्निक्स भी मैंने लिखी हैं। इसके अलावा एक उर्दू अदब में एक नई शेरी सिर्फ सवाले के नाम से मैंने इख्तरा की है और त्रिविनी जो इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी उस पर मेरा 2009 में पहला मजमू आया आलमी सतह पे खवातीन में और 1000 तर्जुमियां मैंने तकरीबन लिखी हैं। और तखल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था और उर्दू अदब में हमारे बुजुर्ग शौरा उसे डोई कहा करते थे, डोई से चूंकि मुशाहबे होता है इसलिए डोई कहा करते थे, उसे मैंने एक अदबी निशान या नाम दिया, मुखल्लस का नाम दिया तखल्लुस के निशान। शायरी में थोड़ा सा मेरा इंफरादी थोड़ा सा काम था, बाकी तो सब चीजें यकसाई हैं। तो थोड़ा सा कलाम बस मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। गुफ्तगू में न दुखे दिल किसी का जेबी, गुफ्तगू में न दुखे दिल किसी का जेबी, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है। वाह वाह वाह, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है और वक्त निकल जाता है। वाह, हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। हवा भी नाचती है साथ मेरे, गुनगुनाना चाहता है। गमों को अलविदा कहना पड़ेगा, कोई दिल में ठिकाना चाहता है। बहुत उम्दा जेबी साहिबा, बहुत शुक्रिया। हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। गमों को अलविदा कहना पड़ेगा, कोई दिल में ठिकाना चाहता। क्या कहने क्या कहने। मैं हवाओं के मुखालिफ चली जेबी, लेकिन मैं हवाओं के मुखालिफ चली जेबी, लेकिन रास्ता वही सीधा निकला, मेरी किस्मत है वही सीधा निकला। और एक और शेर है, मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, कि ऐसी नेक नामी का यहाँ कुछ तो सिला होता। मिला क्या उसको सच्चाई के रास्ते पर कदम रखकर, कि ऐसी नेक नामी का यहाँ कुछ तो सिला होता। और जो मैंने मिस्री नज्म इख्तरा की है वो एक सुना देती हूँ मैं आपको। ये तीन मिस्रों की नज्म है और हर मिस्रे में एक सवाल होता है और बैल सतूर आपको जवाब भी मिल जाता है। वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आँख में, कितने समंदरों का है पानी ये आँख में, क्या क्या नहीं है जुल्म जमानी ये आँख में। मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों क्या कहने करना चाहता है, कहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो जेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। बेशक, वाह वाह, क्या कहने। जी एक डेढ़ मिसकी माइया है, ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। और एक शेर है, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। वाह वाह, मुझे जातों में नाहक कर दिया तकसीम दुनिया ने, मुझे जातों में नाहक कर दिया तकसीम दुनिया ने, कबीला इश्क है मेरा, मोहब्बत है नसब मेरा। और एक और बस बहुत शुक्रिया। एक और शेर है, सीखे रमूज इश्क पड़ी है जो शायरी, सीखे रमूज इश्क पड़ी है जो शायरी, हम बेअदब हुए हैं अदब की किताब से। क्या कहने, अदब की किताब से, अदब की किताब से,
बोल है अदब की किताब से, और है कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, दिल है कि इस हजूम में तन्हा दिखाई दे। और एक और दोहा है, एक सुन लीजिए, बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। और एक त्रिवेणी है, वो जो गुड़िया बेच रही है चुपके चुपके सोच रही है मेरी कीमत कितनी होगी, वो जो गुड़िया बेच रही है चुपके चुपके सोच रही है मेरी कीमत कितनी। और एक और त्रिवेणी है, दुनिया की दोजखों में इंसान जल रहा है, दुनिया की दोजखों में इंसान जल रहा है, जन्नत की हसरतों में खुद कुछ भी पल रहा है, तहजीब का जनाजा शायद निकल रहा है। वाह वाह वाह, क्या हस्बे हाल है। एक त्रिवेणी और है, देखो जागीरें, देखो सुखनवर की जागीरें, कोने में लेकर बैठा है कागज पर लिखी तहरीरें, देखो सुखनवर की कोने में लेकर बैठा है कागज पर लिखी तहरीरें। आइको है, हर घर रोशन है जाने मेरे घर का क्यों सूरज दुश्मन है, हर घर रोशन है जाने मेरे घर का क्यों जाने मेरे घर का सूरज दुश्मन है। और एक और शेर है, बताओ कौन था किसने जला डाला तुम्हारा घर, बताओ कौन था किसने जला डाला तुम्हारा घर, तिरंदा भी नजर रखता है अपने आशियाने पर, तिरंदा भी नजर रखता है अपने आशियाने पर। और एक और है, हम जो भी हैं, फैज की जमीन में है, हम जो भी हैं जैसे भी हैं चाहत पे यकीन हम रखते हैं, हम जो भी हैं जैसे भी हैं चाहत पे यकीन रखते हैं, हम अपने बल पर जीते हैं दरकार किसी का हाथ नहीं, हम अपने बल पर जीते हैं दरकार किसी का हाथ नहीं, पैसे की जरूरत सबको है इनकार नहीं इस बात से भी, पैसे की जरूरत सबको है इनकार नहीं इस पेट की खातिर बिक जाएं हम ऐसे का मौकात नहीं, इस पेट की क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया, चलें जी, बहुत शुक्रिया, देवी साहबा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया, अच्छा रहा देवी साहबा का, बहुत रिवाइश अच्छी रही, काफी आप मेहनत कर रही हैं और उर्दू के फरोग के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो अब जब कि हम कराची पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना हम एक और मशहूर और मारूफ जानी पहचाने हर दिल अजीज शायरा से आपकी मुलाकात करा देते हैं। और ये आज के हमारे इस मुशायरे में कराची पाकिस्तान से ही शिरकत कर रही हैं, इनके 6 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, कराची यूनिवर्सिटी से ही, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना टाइम गुजारा, कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स और उर्दू लिटरेचर में एमए किया है और साथ ही साथ कराची आर्ट्स काउंसिल की अदबी कंपनी की अदबी कमेटी वाइस चेयरपर्सन भी हैं, इसके अलावा कई अदबी अंजमनों से भी मुंसलिक हैं, पूरी दुनिया में मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं, उनका हकीकत आफरीन कलाम माशरे की हकीकत को हमेशा बेनकाब करता रहा है, माशरे के तल्ख हकायक को बड़ी बेबाकी से पेश करती हैं, आपकी फिक्र अंगेज शायरी जहन के समंदर में एक तूफान बर्पा कर देती है। आजकल जो ये COVID-19 ने पूरी दुनिया में उधम मचाया हुआ है, इस पर इन्होंने अभी हाल ही में ये लिखा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तन्हा हुए तो खुद से मुलाकात हो गई, हो गई तन्हा हुए तो खुद से मुलाकात हो गई, जिसका गुमान तक न था वो बात है। छोटी सी एक वबा ने बड़ा काम कर दिया,
छोटी सी एक वबा ने बड़ा काम कर दिया, जाहिर जमीन पे बंदे की औकात हो गई। वाह, तो ये क्या कहने है, हकीकत से करीब शायरी है। तो मैं अब दावत कलाम देती हूँ रेहाना रूही साहब। बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया किशोर गनी साहब, तमाम लोगों की रद्देमल रहे, तस्वीर एक हाथ बीच बीच में ऐसा भी रहे। रेहाना रूही साहब, मैं अफजल मंगलोरी आपको आदाब। अरे मैं पहचान गई हूँ आपसे, तो बहुत मुलाकातें रही हैं भाई हमारी। हसीब साहब के घर में अभी भी कोई फंक्शन होता है तो आपका जिक्र होता रहता है माशाल्लाह। जी, तो बहुत शुक्रिया किश्वर, तुमने तो मतलब मुश्किल में डाल दिया ना, इतना अच्छा कहा तब इसको संभालना मुश्किल होगा। नहीं नहीं, बहरहाल तुम्हारी तुम्हारी तरन्नुम में, वो जो जिगर के तरन्नुम में कल सुना। अच्छा ठीक है, थोड़े से शेर सुना के फिर मैं वो एक आपको सुना दूंगी। अशफाक, इजाजत आपकी। जी मैं ले रही, बिल्कुल बिल्कुल, साहिब सदर की इजाजत से दरकार है और आपकी भी कुछ चीजें पेश करती हूँ। अशफाक बैठे हैं तो फैज साहब का जिक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो फैज साहब की जमीन में चंद शेर कहे थे तो वो पहले सबसे पेश कर देती हूँ। याद आ गए मुझे कि दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं। बहुत मशहूर, डराने लग जाएं। क्या कहने रेहाना भाई, दिल को, बहुत शुक्रिया, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं कि वापसी में उसे मुमकिन है जमाने लग जाएं। वापसी में उसे मुमकिन है जमाने लग जाएं। सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं मांगे। सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं, तो सोने की दुआएं मांगे, और नींद आने लगे तो खुद को जगाने लग जाएं। नींद आने लगे तो खुद को जगाने लग जाएं। उसको ढूंढे उसे एक बात बताने के लिए, ढूंढे एक बात बताने के लिए, उसे एक बात बताने के लिए, और जब वो मिल जाए तो वो बात छुपाने लग जाए। उसे क्या कहने रोहन, क्या कहने रेहाना रोही साहब, और जब वो मिल जाए तो वो बात छुपाने लग जाए। और इस शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ कि इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें सब्र आ जाए। इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें सब्र आ जाए। इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें सब्र आ जाए, और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह, और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। आज एक ताजा गजल पेश करती हूँ, इतनी खूबसूरत समाते हैं। अशफाक, मैंने आज एक लफ्ज सराइकी का इस्तेमाल किया है अपनी रदीफ में, तो मैंने किश्वर को तो कल सुनाई थी, लेकिन आज लोग इतने, मैं सोच रही थी कुछ और सुनाऊंगी, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं कि मैं इसके बाद उसको पेश करती हूँ। तो ये अपनी ताजा गजल, तो मैं कह रही थी अशफाक, मैंने इसके अंदर एक सराइकी लफ्ज और कुछ पंजाबी लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो रदीफ में मैंने एक सराइकी लफ्ज है, उसके लिए तवज्जो चाहूंगी। ताजा गजल है मेरी कि कोई मेरे, साहिब सदर आपकी खास तवज्जो, कि कोई मेरे दिल को दुखाए ता लिखती हूँ, लिखती हूँ। कोई मेरे दिल को दुखाए ता लिखती हूँ, और या फिर कोई दिल को भाए ता लिखती हूँ। शुक्रिया। कोई मेरे दिल को दुखाए ता लिखती हूँ, या फिर कोई दिल को भाए ता लिखती हूँ, और जिसको छुपाए फिरती हूँ पलकों के अंदर। वाह, जिसको छुपाए फिरती हूँ पलकों के अंदर, आँख से वो आंसू गिर जाए ता लिखती हूँ। भाई क्या कहने,
जिसको छुपाए फिरती हूँ आंखों के अंदर, आंख से आंसू गिर जाए ता लिखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। खुद को खुश रख, आदाब आदाब, खुद को खुश रखने की अदाकारी करके भी, खुद को खुश रखने की अदाकारी करके भी, तेरे बाजो चैन ना आए ता लिखती हूँ, तेरे बाजो चैन ना आए ता लिखती हूँ। और सांप की मानिंद रूह से लिपटे कुछ रिश्तों से, सांप की मानिंद रूह से लिपटे कुछ रिश्तों से, दम घुट जाए, दम घुट जाए सांस ना आए ता लिखती हूँ। क्या कहने भाई, सांप की मानिंद, आदाब, सांप की मानिंद रूह से लिपटे कुछ रिश्तों से, तब घुट जाए सांस ना आए तब लिखती हूँ जी। इसका मतलब तब है, आपने बिल्कुल सही दोहराया अलवी, लेकिन ये तान में अजीब मजा है। हाँ हाँ, वैसे तान में तान है। अच्छा, और इस शेर पे भी आपकी तवज्जो साहिब सदर कुछ थोड़ी सी लिखने की कोशिश की है, आपके कदमों में रखती हूँ। कि जब एक समंदर प्यास बुझाने से कासिर हो, जब एक समंदर प्यास बुझाने से कासिर हो, जब एक समंदर प्यास बुझाने से कासिर हो, तब एक कटोरा प्यास बुझाए ता लिखती हूँ। जब एक समंदर, जब एक समंदर प्यास बुझाने से कासिर हो, तब एक कटोरा प्यास बुझाए ता लिखती हूँ। अरे क्या कहने भाई, क्या कह रहा है। कटोरा प्यास बुझाए ता लिखती हूँ, और सन्नाटे में मुझसे बातें करते करते, सन्नाटे में मुझसे बातें करते करते खामोशी भी चुप हो जाए ता लिखती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सन्नाटे में मुझसे बातें करते करते खामोशी भी चुप हो जाए ता लिखती हूँ। खामोशी, और देखिएगा कि एक मुलाकात ऐसी भी होती है जिसमें, एक मुलाकात ऐसी भी होती है जिसमें, एक मुलाकात ऐसी भी होती है जिसमें तन्हाई भी कम पड़ जाए ता लिखती हूँ। वाह वाह वाह, एक मुलाकात ऐसी भी होती है जिसमें तन्हाई भी कम पड़ जाए ता लिखती हूँ। और आखिरी शेर पेश करती हूँ, और वही आपसे देखिएगा कि जो हमारे बच्चे चले गए, हम अकेले रह गए, उसी के तनाजुर में ये शेर है। जाहिर है ये तो एक हमारा दायमी दुख बन चुका है, तो इस तनाजुर में शेर को देखिएगा। वैसे तो शेर ही है, लेकिन क्या आप लोग सब माशाल्लाह मौजूद हैं और वहीं पर हैं, तो एक ताल्लुक बनता है इस शेर के ताल्लुक से। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी कि खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, वाह वाह वाह, जिंदा रखने की कोशिश में जाने वाली माँ का दुख है, यहाँ रह जाने वाली, वाह वाह वाह, खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, ख्वाब में भी वो घर आ जाए ता लिखती हूँ। लिखते हैं, खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, ख्वाब में भी वो घर आ जाए ता लिखती हूँ। जब एक समंदर प्यास बुझाने से कासिर हो, तब एक कटोरा प्यास बुझाए ता लिखती हूँ। मेरे दिल को दुखाए ता लिखती हूँ, या फिर कोई दिल को भाए ता लिखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर रहना, आदाब आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया। मैं ये बहुत, इन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मुझे मेरे बहुत, मुझे
बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मेरी गजल पसंद आई। असल में हमने हमें जिगर जिगर का एक मिसरा दिया गया था तरह उसपे लगाने के लिए जी तरह ही गजल, तो उसमें क्योंकि वो जिगर का था तो मैंने सोचा जिगर का तरन्नुम भी साथ ही चल जाए तो पेश करती हूँ। और मुझे खुशी है कि वो हमारे जिन्होंने अभी तरन्नुम सुनाया जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हमारे साहिब चंद तो वो मौजूद हैं, तो क्या बात है आज इस गजल की जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखिएगा जी, अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, अजब है ये दुनिया, अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना, अजब है ये दुनिया, और बताना उसे जो जरूरी बहुत है, बताना उसे जो जरूरी बहुत है वही भूल जाती हूँ उसको बताना, अजब है ये दुनिया। वाह वाह क्या तरन्नुम है। और मैं कल किशोर से कह रही थी कि जो मैं अब शेर पढ़ूंगी एक मैं इसको दिलबर शेर कहती हूँ, अशफाक है तो ये मेल है तो ये मेल शावनिज्म के ऊपर लेकिन एक दिलबर शेर है। साहिब सदर आपकी इजाजत चाहती हूँ कि खुदा आजाद है और ये कहता है मुझसे, खुदा आजाद है और ये कहता है मुझसे, यहाँ तुम न जाना, वहाँ तुम न जाना। बहुत जबरदस्त शेर है, क्या कहने, आदम आदम। खुदा आजाद है और ये कहता है मुझसे, यहाँ तुम न जाना वहाँ तुम न जाना, अजब है ये दुनिया। और अब जिसपे गिरा लगाई थी वो शेर, और इसमें इसका जो मिसरा उला है साहिब सदर, इसपे मैंने गालिब ने कहा था तमाशा अहले नजर करम देखते, इससे मैं इस्तफादा किया थोड़ा सा कि तजादाते अहले नजर देखती हूँ, नजर देखती हूँ तजादाते अहले नजर देखती हूँ, कहीं पर निगाहें, क्या बात, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तजादात अहले नजर देखती हूँ कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, अजब है ये दुनिया। और भुला देंगे दो दिन में अपने पराए, भुला देंगे दो दिन में अपने पराए हमारी कहानी, हमारा फसाना तुम्हारा फसाना। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, अजब है ये दुनिया। आखिरी शेर की जहमत, जिगर का तरन्नुम
सुनाने चली है। क्या क्या इस्तेमाल किया तगज़ुल, चाहे तगज़ुल थे भाई उनका तरन्नुम सुना रहे। जी जी, और क्या आपने अपना नाम इस्तेमाल किया है। जिगर का तरन्नुम सुनाने चली है, जिगर का तरन्नुम सुनाने चली है, वो एक शायरा है जो रूही रिहाना। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या अजब है ये दुनिया, जिगर का तरन्नुम सुनाने चली है, वो एक शायरा है जो रूही रिहाना। अजब है ये दुनिया, अजब है जमाना, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना। क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा रेहाना, बहुत जबरदस्त रेहाना, बड़ा महफिल को जगमगा दिया आपने। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। बकौल रफत, बकौल रफत के लुटेरी शायरा जहाँ जाती हैं मुशायरे लूट लेती हैं। क्या बात है, क्या बात है, इसको नहीं तो क्या होगा। बहुत जबरदस्त कलाम आपने पेश किया। मुशायरा अब उरूज पर पहुंच गया है, तो अब हम जरा आपको इंडिया ले चलते हैं। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रही हूँ, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, बहुत ही इंसान दोस्त शायर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया, हर जगह मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं, बेशुमार अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। बचपन ही से इन्हें शेर व शायरी का बहुत शौक था, बचपन ही से ये शेर व अदब से मुंसलिक थे, रेडियो और टेलीविजन से भी उनके प्रोग्राम नश्र होते रहते हैं, और उन्हें तकरीबन 150 से ज्यादा अवार्ड सब तक मिल चुके हैं। और इनके कलाम में जमाने की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाई गई है, और बेइंसाफियों के खिलाफ उनकी शायरी तलवार की तरह तन जाती है। उनके मुतरजिम मुतरन्नुम लहजे की वजह से उनकी शायरी का जादू सर चढ़कर बोलता है। इनकी गजलें सुनकर सामईन ऐसे सब्ज़ारों से गुजरते हैं जहां तगज़ुल के आबशार और झरने गिरते हैं, लब व रुखसार के मीठे चश्मे बहते हैं, कहीं जुल्फों की काली घटा छा जाती है तो कहीं प्यार और मोहब्बत का सावन झूम कर बरसता है। तो अब मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ अफजल मंगलोरी साहब को, ये वो अपने तरन्नुम से गजलों का तोहफा पेश करें। शुक्रिया बहुत निजामत का, माशाल्लाह अजीब शहर है। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत, साहिब सदर इजाजत अगर दे। पाकिस्तान की नंबर वन डिबेटर में रही है। माशाल्लाह, साहिब सदर इजाजत है अशफाक साहब, सदर है आपका कलाम सुनने जी, इजाजत है, मेरी आवाज पहुंच रही है। जी जी जी, उन्होंने इजाजत दे दी। अच्छा अच्छा, मैं तो बस यही अर्ज करूंगा रेहाना रूही साहिबा, जब सोता है जग ये सारा ता लिखता हूँ। हाँ लिखता, जब सोता है जग ये सारा ता लिखता हूँ, मैं मजबूर और गम का मारा ता लिखता हूँ। वाह वाह, क्या फिर पति जवाब दिया, ये तो मारा ता लिखता हूँ, और है ये हकीकत सच कहता हूँ, खाम में जब भी हो जाए रेहाना रूही का इशारा ता लिखता हूँ। इशारा सदर एक कुछ चंद अशार पेश कर रहा हूँ गजल से पेशकर अशफाक साहब मेरी आवाज को सुन रहे हैं।
जी जी शुक्रिया, वहाँ बहुत अशफाक साहब के साथ ये सादत रही हिंदुस्तान पाकिस्तान और बैरून ममालिक के मुशायरे पढ़ने का। आज की बज़्म से मुतालिक शेर गजल से पेशतर के इल्म में भी आप कामिल, फन में भी मशाक हैं। इल्म में भी आप कामिल, फन में भी मशाक हैं। सदरे महफिल आज के सद मरहबा अशफाक हैं। वाह वाह, सदरे महफिल आज के जबरदस्त सद मरहबा अशफाक हैं। और आज वो अब्बास ताबिश बज्म की रौनक नहीं, आज वो अब्बास ताबिश बज्म की रौनक नहीं, जिनको सुनने के लिए अहले सुखन बेताब मुश्ताक हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो जरूर इसकी तलाफी करेंगे। अहले सुखन मुश्ताक हैं और नाज़िमे बज़्मे सुखन हैं आज जो किश्वर गनी। नाज़िमे बज़्मे सुखन हैं आज जो किश्वर गनी। साहिबे फिक्रो ज़बां हैं, साहिबे अखलाक हैं। जितने शोरा हैं उनके लिए भी ये शेर, जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान और कनाडा के शोरा इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, जो शरीके बज़्म हैं शायर हों या के शायरात, जो शरीके बज़्म हैं शायर हों या के शायरात, अंजुबो महताब के ये सब के सब मिसदाक हैं। अंजुबो के ये सब के सब मिसदाक हैं। और आज अफजल के लिए आज अफजल लेके आया हूँ वहीं से एक गजल। आज अफजल लेके आया हूँ वहीं से एक गजल, जो बयाज़े जिंदगी के मेरे कुछ औराक हैं। महफिल की नस्बत से ये चंद शार आपकी खिदमत में पेश किए। ये गजल तरन्नुम से मुझे हुक्म हुआ है तो समाप्त फरमाइएगा कि सादा सी गजल है। हर कोई तुम्हारा ही तलबगार मिलेगा, हर कोई तुम्हारा ही तलबगार मिलेगा। हमसाना मगर कोई वफादार मिलेगा, हमसाना मगर कोई वफादार मिलेगा। और जितनी भी खताएं हैं वो सब निकलेंगी मेरी, जितनी भी खताएं हैं वो सब निकलेंगी मेरी। हर शख्स तुम्हारा ही तरफदार मिलेगा, हर शख्स तुम्हारा ही तरफदार मिलेगा। और जी भर के जरा देख ले यूसुफ को जुलेखा, जी भर के जरा देख ले यूसुफ को जुलेखा, फिर मिस्र का तुझको न ये बाजार मिलेगा, फिर मिस्र का तुझको न ये बाजार मिलेगा। हर कोई तुम्हारा ही तलबगार मिलेगा, और इस बार तेरा हिजर भी ढाएगा कयामत, इस बार तेरा हिजर भी ढाएगा कयामत, इस बार तेरा हिजर भी ढाएगा कयामत, इस बार ना जिंदा तेरा बीमार मिलेगा, बार ना जिंदा तेरा बीमार मिलेगा। और ये शेर खास तौर से जिसके लिए आपको
इसलिए तवज्जो के इस बार ना जिंदा तेरा बीमार मिलेगा, तेवर यूं बदल कर ना करें गुफ्तगु हमसे, तेवर यूं बदल कर ना करें गुफ्तगु हमसे, तेवर यूं बदल कर ना करें गुफ्तगु हमसे, हाँ प्यार से सर मांग ये सरकार मिलेगा, हाँ प्यार से सर मांग ये सरकार मिलेगा, हर कोई तुम्हारा ही तलबगार मिलेगा। और तीन शेर अगर इजाजत हो तो तीन शेर बदल के सुना दूंगा अपना। नहीं जरा एक और गजल सुना दीजिएगा, वो राजेश रेड्डी साहब शायद कहीं थोड़ा उठ गए क्योंकि आपके बाद उनकी बारी है। समीर खुसरो का एक रह रहा, हाँ दो तीन शेर पेश कर देता हूँ ज्यादा नहीं क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। कि हजरत अमीर खुसरो का एक मिसरा रहा, किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां। उमर इसमें काफिया बदल के अशफाक साहब रियाना रूही के साहब आप, मैंने कोशिश की है समाज फरमाए से गजल। हो मतलब और बनावटी जो नुमाएशिस्तार बतियां, भला वो भा जाए कैसे मन को, लगे वो किस तरह प्यारी बतियां, हो मतलब और बनावटी जो नुमाएशी इश्तहार बतियां, भला वो भा जाए कैसे मन को। शेर सुनिएगा, कभी है शोला कभी है शबनम, है जख्म भी और कभी है मरहम, कभी लगे हैं वो फूल दिल को, कभी लगे हैं कटारी बतियां, कभी लगे हैं वो फूल दिल को, कभी लगे हैं कटारी बतियां, भला वो भा जाए कैसे मन को। और ये शेर समाप्त फरमाए, मुझे ये डर है जवां दिलों पर, कहीं ये बिजली गिरा न डाले, मुझे ये डर है जवां दिलों पर, कहीं ये बिजली गिरा न डाले, कुवारी पलकें कुवारे अबरू, कुवारी आंखें कुवारी बतियां, कुवारी पलकें कुवारे अबरू, कुवारी आंखें कुवारी बतियां, हो मतलबी और बनावटी जो किसी भी महफिल पे छाना होगा, जब अपना जादू जगाना होगा, तुम्हारे होठों से मांग लूंगा वो प्यारी प्यारी उधारी बतियां, तुम्हारे होठों से मांग लूंगा। और आखिरी शेर समाज फरमाए, न वो हमारे न वो तुम्हारे, जो लोग करते हैं बस गरज से, न वो हमारे न वो तुम्हारे, जो लोग करते हैं बस गरज से, हमारे मुंह पर हमारी बतियां, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बतियां, हमारे मुंह पर हमारी बतियां, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बतियां,
भला वो भा जाए कैसे मन को। और मिसरे पर तज़मीन की कोशिश की है, समाअत फरमाएं कि न जी रहे हैं न मर रहे हैं मगर बताने से डर रहे हैं, न जी रहे हैं न मर रहे हैं मगर बताने से डर रहे हैं। किसे पड़ी है जुजा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां, किसे पड़ी है जुजा सुनाए। बहुत शुक्रिया, मक्ता समाज फरमाइए ये किसने सोचों पे धड़कनों पे किया है कब्जा बताओ अफूजल, ये किसने सोचों पे धड़कनों पे किया है कब्जा बताओ अफूजल, ये किसने कानों के रास्ते से जमीने दिल पर उतारी बतियां, समातों की डगर से किसने जमीने दिल पर उतारी बतियां, हो मतलबी और बनावटी जो नुमाइशी इश्तारी बतियां, भला वो भा जाए कैसे मन को, लगे वो किस तरह प्यारी बतियां, भला वो भा जाए कैसे मन को। बहुत शुक्रिया, आदाब। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने अफजल मंगलोरी साहब, बहुत अच्छा। तो अब मुशायरा बहुत उठ चुका है और मैं जिस बुलंद कामत शख्सियत को दावत कलाम देने जा रही हूँ उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही है। ये एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई, अमेरिका, कनाडा, हर जगह उन्होंने अपनी शायरी के डंके बजा दिए हैं। एक मर्तबा एडमिंटन भी तशरीफ ला चुके हैं और इनसे बहुत ही मुख्तसर सी मुलाकात भी रही, इनकी शायरी से मैं बहुत मुतासिर हुई। इंशाल्लाह ये COVID-19 दफा हो जाए, मैं कहूंगी चला जाए, तो फिर इन्हें जरूर एडमिंटन बुलाया जाएगा और कनाडा बुलाया जाएगा। और इनकी ये जबानी शायरी सुनने की, इनके सामने बैठकर रूबरू शायरी सुनने की तिश्नगी क्योंकि बाकी रह गई थी, वो मुशायरा कुछ ऐसा था कि जो एमपी साहब थे उन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया था शायरों से ज्यादा, तो शायरों को ज्यादा अपना कलाम सुनाने का मौका नहीं मिला और जो थिएटर था वो वक्त मुकर्रा पर खाली करना था, तो बड़ी ही तिश्नगी बाकी रही। और इनकी शायरी के साथ साथ उनका तरन्नुम ऐसा सुर और ले आवाज में ऐसा सहर है कि आप बिल्कुल मदहोश होकर रह जाते हैं। शबनम की सी ठंडक, गुलों की ताजगी, उस पर बला की आमद, मखसूस फिक्र, बर्जस्तगी और मुतरन्निम लहजे की वजह से उनकी शायरी का जादू सर चढ़ कर बोलता है। इनके भी कुछ अशार सुनाने की मैं जुरत नहीं करूंगी, इसलिए कि बेहतर यही है कि आप इन्हीं की जबानी इनका कलाम सुनिए तो आप ज्यादा लुत्फंदोज होंगे। तो मैं दावत कलाम देती हूँ राजेश रेड्डी साहब को कि वो आए और अपना कलाम अता करें। किशोर साहब आपको मुबारकबाद और सभी दोस्तों को, सभी साथियों को बहुत बहुत सुन के अच्छा लगा, कई लोगों को पहली बार सुना जी खुश हुआ। अशफाक साहब इजाज़त साहिब अशद साहब जी, तो तरन्नुम से पहले मैं एक गज़ल
और उससे पहले गजल से पहले एक मतला और एक शेर इरशाद इरशाद हाँ राजेश भाई जी ये मतला पुराना है लेकिन एक जरूरी मतला है जो हम हिंदुस्तान में और शायद पाकिस्तान में जी रहे हैं ये शेर है शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं और एक रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसमें ये शेर किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता वाह किसी दिन जिंदगानी में जिंदा क्यों नहीं होता मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता पर एक और मतलब और जरूरी सा शेर के हम अक्सर अपने मुल्कों में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं इतने मरे इतने घायल लेकिन जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है शेर यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया लेकिन जाने कितने परिंदों का घर गया शुक्रिया और अशफाक साहब एक ताजा गजल पेश कर रहा हूँ बिल्कुल एक अलग ढंग से कुछ कोशिश हुई है कि दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे दर्द सारे कहाँ नुकसान में रखते हैं मुझे हुए थे दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे सिर्फ कुछ फूल ही गुलदान में रखे हुए थे सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे सिर्फ कुछ फूल ही गुलदान में रखे हुए थे और ये शेर के नाउमीदी ने बना रखा था उम्मीद का भेस नाउमीदी ने बना रखा था उम्मीद का भेस गम मेरे खुशियों के इम्कान में रखे हुए थे नाउमीदी ने बना रखा था उम्मीद का भेस गम मेरे खुशियों के इम्कान में रखे हुए थे और शेर जब उठाए गए दुनिया से तो एहसास हुआ अफजल भाई उठाए गए दुनिया से तो एहसास हुआ जब उठाए गए दुनिया से तो एहसास हुआ हम यहाँ बस यू ही सामान में रखे हुए थे अच्छा है माशाल्लाह एहसास हुआ हम यहाँ बस यूं ही सामान में रखे हुए थे ईश्वर साहब एक अलग से देखे कि ऐसा लगता था कि गालों पे वो ठहरे हुए अश्क ऐसा लगता था गालों पे वो ठहरे हुए अश्क सूखने के लिए दालान में रखे हुए थे तथा गालों पे वो ठहरे हुए अश्क सूखने के लिए दालान में रखने रखे हुए थे और जरा रोहित साहबा ये शेर देखें कि हमको जाना ना पड़ा ढूंढने खुद को कहीं और हमको जाना ना पड़ा ढूंढने खुद को कहीं और हम तो अपनी गिरेबान में रखे हुए थे ढूंढने खुद को कहीं और गिरेबान में रखे हुए थे ढूंढने खुद को कहीं और हम तो अपने ही गिरेबान में रखे हुए थे और ये जो गैर बराबरी दुनिया में और आप देख रहे हैं ये शेर सोने चांदी के चिरागों की मुहाफिजती हवा साहब सोने चांदी की चिरागों की मुहाफिजती हवा हम थे मिट्टी के सो तूफान में रखे हुए थे तूफान में रखे चांदी के चिरागों की मुहाफिजती हवा
सोने चांदी के तराजू महाफिज थी हवा हम थे तो तूफान में रखे हुए थे और इंसान के अंदर कितने परसेंटेज होती है और ये देखें हम में मौजूद रहा करता था हर दम कोई और हम में मौजूद रहा करता था हर दम कोई और हम किसी और की पहचान में रखे हुए थे बहुत अच्छा हम में मौजूद रहा करता था हर दम कोई और हम किसी और की पहचान में रखे हुए थे शेर के खास तौर से आखिरी शेर घर न ठुकराते जहाँ को तो न पाते खुद को घर न ठुकराते जहाँ को तो न पाते खुद को फायदे कितने ही नुकसान में रखे हुए थे फायदे कितने नुकसान में रखे हुए थे शुक्रिया दर्द सारे कहाँ मुस्कान में रखे हुए थे कुछ फूल ही गुलदान में रखे हुए थे शुक्रिया जी आप कुछ जरा एक तरन्नुम से भी सुना दीजिए अच्छा ये कुछ ये सुना था दरअसल बैटरी डाउन हो रही मैं जहां तक जा सकता है देखता हूँ जी एक ताजा गजल अशफाक साहब और यहाँ रोहित साहब तरन्नुम भी सुनिएगा हम जी रहे हैं जान हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी क्या चीज रहे हैं जान बगैर भी वाह हर दिन गुजर रहा है हर दिन गुजर रहा अच्छा मतलब है वाह 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 बोल रहा था इश्फाक हर दिन गुजर रहा है गुजारे बगैर वाह क्या बात है वाह 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 क्या हुआ उन्होंने कहा था बैटरी हाँ लो हो गई है हर दिन गुजर रहे हैं मेरे ख्याल से उनकी बैटरी लो हो गई है शायरी की तरह नहीं है क्या आईपैड की बैटरी उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही बहुत अच्छा भारी है वो जो उनका मतला है माशाल्लाह सब तो भारी बहुत खूब जी बहुत जबरदस्त कलाम उन्होंने सुनाया मगर और इंडिया और पाकिस्तान में तो खास तौर पर इस वक्त काफी टाइम भी हो गया है जी जी तो 2-3 मिनट इंतजार करके देख लेते हैं शायद कुछ चार्जर के साथ आ जाए क्योंकि अब हमारा मुशायरा वैसे तो बस अब इख्तिताम पर ही है कौन रह गया बाकी और बहुत अच्छी गजल वो सुना रहे थे और पिछली दफा भी जब वो एडमिंटन आए थे तो हादसा होता रहता किसी है। और ने मुशायरा किया था और उन्होंने जिन साहब को निजामत दी थी उनको खुद बोलने का बहुत शौक था शायरों को सुनने का कोई शौक नहीं था कोई शौक नहीं था इतना अफसोस हुआ इतनी दूर दूर से शायर आए थे और पता नहीं क्यों उनको एमसी बना दिया था और मेरी बारी आने से पहले मेरे पास आए और कहने लगे किश्वर ज्यादा मत सुनाना टाइम कम है और इतना बोले जा रहे थे कि शायरों बिचारों के पास टाइम ही नहीं रहा कुछ तो बगैर सुनाए चले गए क्योंकि टाइम ही नहीं था आपको कह देना चाहिए था ना खुद आजाद है और कहता है हमसे तो राजेश रेड्डी साहब दोबारा तिश्नगी छोड़ गए हाँ वहां भी यही हुआ यहाँ भी यहाँ बिजली ने काम आई या देखिए
वो जिस तरह अब्बास ताबिश को कुछ मजबूरी हो गई और वो आज नहीं आ सके, कोई नहीं, हमें बहुत अच्छे सदर मिल गए लेकिन उन्होंने आइए सदर साहब को सुना जाए। हाँ, वरना आज के दौर में अच्छा सदर मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है। जी, तो अब कुछ ऐसे ही लग रहा है कि राजेश रेड्डी साहब को किसी दूसरे मुशायरे में फिर इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे। तो अब आप जिस कद आदम आलमी शोहरत याफ्ता शायर के कलाम से लुत्फ अंदोज होंगे, उनका कयाम टोरंटो में है और अशफाक हुसैन का नाम है गहवारा अदब, उन्होंने कनाडा में उर्दू अदब की तारीख रकम की है। इससे पहले हम घरों में बैठकर अपने बेसमेंट में टूटी फूटी शायरी शेर व अदब की महफिलें जमा कर अपनी रूहानी तस्कीन कर लिया करते थे। कोई बड़ा शायर इंडिया और पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से से बहुत ही कम यहाँ आता था। अशफाक हुसैन जब 1980 में गालबन ये टोरंटो आए और उन्होंने ये कमी पूरी की और दुनिया से के हर कोने से बिला तफरीक मजहब रंग नस्ल शायरों अदीबों दानिश्वरों और फनकारों को उन्होंने कनाडा मदु किया और यहाँ उर्दू अदब को बहुत ही फरोग दिया। उसमें उन्होंने अपना तन मन धन जान सब कुछ निसावर कर दिया। उनकी ये खिदमात कनाडा कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। अब इन्होंने फैस पर बहुत काम किया है, अब तक 10 किताबों के मुसन्निफ हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान यूएई और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी अदबी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड्स वसूल कर चुके हैं और इनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में पाकिस्तान में भी उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है और ये इससे पहले कभी यहाँ कनाडा में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को नहीं मिला। ये पहले मुनफरिद शख्स हैं कि जिन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतने बड़े अवार्ड से नवाजा। क्या बात है, वाह वाह माशाल्लाह। और हालिया हालात के मुताबिक इन्होंने ये जो कुछ भी लिखते रहते हैं, इन्होंने लिखा है एक जगह कि तन्हाई के ये दिन हैं यहाँ पर नहीं आना, तन्हाई के दिन हैं यहाँ पर नहीं आना, जाते हो जो मस्जिद तो मेरे घर नहीं आना। वाह, कोरोना क्या कोरोना जी कोरोना फैला लाइक जो फैल रहा है। तो जाहिर है कि चाहे मस्जिद हो मंदिर हो सब जगह से ये हो रहा है कि मना दी है कि बेहतर यही है। अब ये देख लीजिए कि हम ऑनलाइन मुशायरा कर रहे हैं तो चलिए एक चीज तो अच्छी है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस तरह से हमें मिला रही है, वरना तो पता नहीं हम बिल्कुल ही पागल हो जाते थे अकेले बैठ कर। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगी आज के हमारे मुशायरे के सदर इज्जत मां अशफाक हुसैन साहब से बहुत अदब और एहतराम के साथ कि वो अपना इस्तकबाल इस्तकबाल सदा अफरीन अफरीन सदा अफरीन। बहुत शुक्रिया केशव साहब, मुशायरे में हम अपने मैं अपने महबूब शायर अच्छे शायर अब्बास ताबिश साहब को नहीं सुन सका, लेकिन ज़ाहिर है कि सबकी मजबूरियाँ होती हैं और ये जिम्मेदारी जो है दी आज के जैसे कि नज़रत अज़हर साहिबा के कलाम से हुई, तला ज़हरा साहब ने अपना कलाम पढ़ा, थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही है, भारद्वाज साहब ने अपना कलाम पढ़ा। तो भारद्वाज साहब से पहले हम एडमिंटन में तक 40 साल पहले उनको सुन चुके हैं, नाशाद जौनपुरी भारद्वाज साहब। हमारी आवाज आपको? हाँ, आ रही आ रही, थोड़ा नजदीक आ गए, आ गई है। अच्छा, तो उसमें ये अब ये जो है उसके बाद हमारी हिना अंबरीन है यहाँ की और कराची से मुस्लिम साहब हैं, जहान रूही साहब, जैबन सजीबी,
और हमारे हिंदुस्तान से अफजल मंगलोरी और राजेश रेड्डी साहब, तो इनमें से ज्यादातर लोगों को तो हम साथ ही रहे हैं, एक उठना बैठना रहा साथ, मुशायरों में मुशायरों के बाहर एक उनके साथ भी सिलसिला रहा। मैंने ये मेरा पहली बार मैं जूम के किसी मुशायरे पर राजी नहीं था पहली दफा। मुझसे एक दोस्त ने कहा कि आपने तो जूमिंग पे नज्म लिखी हुई है 15 साल पहले और आप जूम के मुशायरे में नहीं, तो वो थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी से घबराते थे। एक दफा रखा भी किसी ने मगर वो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो भाई इस सिलसिले को बंद रखो। मैंने लेकिन किशोर से जो है जाहिर है कि इतने पुराने मरासी में एक मुल्क में रहते हैं हम, और बहुत थोड़े बहुत अदबी काम किए उस हमारे एक आदमी तो नहीं करता, मुख्तलिफ लोग मिलके करते हैं। तो एडमिंटन में जो हमारे साथियों में जो थे जिन्होंने यहाँ पूरे कैनेडा और अमेरिका में जो बेहतर की है फजा, उसमें एक आदमी का काम नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो एडमिंटन हर शहर में 2-4 लाख ऐसे दीवाने जरूर थे जिन्होंने इन महफिलों का आबाद किया, और उनमें से एक दीवानी जो है वो किश्वर भी है जो एडमिंटन। तो जाहिर है वो दीवानगी में जो है वही फरजानगी होती है, वही अकल की बातें होती है, तो उनको नजरअंदाज किया जा सकता। जो है कनाडा में मुशायरों का सिलसिला जाहिर है कि ये हमारा आलमी मुशायरों का दरअसल सिलसिला जो है पहले वो कनाडा से ही शुरू हुआ 1980 में, उसके 4-5 दुबई में शुरू हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर एक आध शायर आते थे, मुशायरे महफिल जरूर होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, मगर फिर चीजें ऐसी थी। एक तो वजह ये थी कि गुज़िश्ता 50 साल से आप देखें कि बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन का एक हुआ है, इससे पहले नहीं थी। मतलब आप खुद ये देखें, मैं आपको मिसाल दूं कि न्यूयॉर्क में पितरस बुखारी जैसा बड़ा आदमी यूनाइटेड नेशन में सब जानते हैं, जब उनका इंतकाल हुआ था आप यकीन मान उनको कांधा देने के लिए लोग नहीं थे इतने बड़े आदमी को, क्योंकि लोगों को पता नहीं था वहां रहते हैं और जो थोड़े बहुत थे तो इस। लेकिन ये कि अब जो हालात ऐसे हुए हैं तो अब ये हमारे किसी को मुझे लोग टोकते थे कि भाई आप कनाडा आए यार अपने खाने कमाने के चक्कर में कहाँ शायर शायरी वगैरह के चल गए, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर उनकी बात मान ली होती तो ये आज तो हर शहर में मुशायरे अदबी महफिलें आपको तनाई का एहसास नहीं होता, लेकिन जिस जमाने में आप थे तो बड़े तनाई का एहसास होता। तो उन्हीं जमाने की गजलों से मैं चंद अशआर आपको पेश करूंगा, वो उस जमाने की फीलिंग थी, अब जाहिर है ऐसा नहीं है। समंदर छोड़ आए कोहो दरिया छोड़ आए हैं, समंदर छोड़ आए हैं नई दुनिया की खातिर, एक दुनिया छोड़ आए। लिबास अजनबियत किस तरफ जाए, हम लिबास अजनबियत किस तरफ जाए कि हम अपना बदन लाए हैं चेहरा छोड़ आए। नई दुनिया की खातिर एक दुनिया छोड़ आए हैं, पहन कर लिबासे अजनबियत किस तरफ जाएं कि हम अपना बदन लाए हैं चेहरा छोड़ आए हैं। कई मौसम गए पर हिजरतों के दुख अभी तक हैं। सन्नाटा मेरे अंदर का मेरी जिंदगी तक है। कई मौसम गए पर हिजरतों का दुख अभी तक है। ये सन्नाटा मेरे अंदर का मेरी जिंदगी तक है। सुकून मिलता है बेआंगन घरों में मेरे बच्चों को, वाह। सुकून मिलता है बेआंगन घरों में मेरे बच्चों को, खुले दालान की ख्वाहिश तो मेरी नस्ल ही तक है। खुले दालान की ख्वाहिश तो मेरी नस्ल ही तक है। ये टूटे लोग बिखरे लोग मेरे लोग हैं जिनका, क्या बात है। ये टूटे लोग बिखरे लोग मेरे लोग हैं जिनका,
गई तहजीब से रिश्ता गजल की शायरी तक है। वाह 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 वाह, इनका गई तहजीब से रिश्ता गजल की शायरी तक है। उसी जमाने में ये बिल्कुल 40-50 साल पुरानी गजल है, और उसी जमाने में एक नज्म हुई थी कि ऊंची इमारतों के मोहल्ले में, ऊंची इमारतों के मोहल्ले में जहां मैं हूं, ये रास्ता मैंने तस्वीरों में देखा था। क्या बात है, जहां मैं हूं ये रास्ता मैंने तस्वीरों में देखा था। ये सातों रंग में डूबी हुई सड़कें और इन सड़कों पे चलते लोग, यूं लगता था जैसे मुट्ठियों में इनकी खुशहाली के जुगनू कैद हैं अपनी खुशी से, इनके चेहरे मुस्कुराते रोशनी से जिंदगी से। ये तस्वीरें छपी थीं पहली दुनिया के रिसालों में। वाह, तस्वीरें छपी थीं पहली दुनिया के रिसालों में। इन तस्वीरों के सब जावियों को देखता रहता था हैरत से। वाह, ये तस्वीरें सजी थीं मेरे ख्वाबों में ख्यालों में, मगर मैं आज इस दुनिया में इन ऊंची इमारत और इस रोशन मोहल्ले में बहुत गंदे से एक सबवे के पास हैरान खड़ा हूँ। बराबर बजाता है गिटार एक जिंदगी के खाली चेहरे वाला फनकार, मैं मूसीकी के फन की दाद दूं या उसके खाली हाथ में अपने पुराने ख्वाब की ताबीर दे दूं, मैं उसको पहली दुनिया के रिसालों में छपी तस्वीर दे दूं। वाह 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 वाह, क्या कहने वाह सुराज भाई। मुझे ये भी फीलिंग होती थी जारे के नहीं पहले पहली सालगिरह थी उसी जमाने में कि अगली नस्ल यहाँ पे क्या होगी। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हो गए, दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई। तो उस वक्त बच्चे की पहली सालगिरह पे मैंने ये नज़्म कही थी। दरअसल इमिग्रेंट नस्ल जो आने वाली थी उसकी, उसके बारे में, बेटे के नाम। मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा जो अभी नहीं आए, मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा जो अभी नहीं आए, मैं तुम्हारे पांव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिसले ख्वाब जले। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोच कर भी अब सांस फूल जाती है। क्या बात है, मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा जो अभी मैं तुम्हारे पांव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिसल ख्वाब ओझल है। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोच कर भी अब सांस फूल जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो पहाड़ वो रस्ते जिन पे तुमको जाना है वो नया जमाना है, और वो नया जमाना है और वो तुम्हारा है। मैं के उस जमाने को देख भी ना पाऊंगा लेकिन उस जमाने की हर घड़ी को हर पल को मेरी आंखें देखेंगी इन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। वाह 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 वाह, मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मेरे सारे ख्वाबों को इन जमील आंखों के एक खास गोशे में तुम छुपा के रख लेना, और अगर कभी ये ख्वाब फूल बन के महके तो इनकी खुशबुओं में तुम मेरे नाम के सब हर्फ, मेरे सब हर्फ एहतियात से रखना। एहतियात।
बातें हो रही थी और ये, मगर मैं बताऊं कि ये सब जो फीलिंग है तन्हाई की पहले होती थी, अब इसमें अब जाहिर है कि जूम पे बैठ के बात करें तो इसमें हिजरत का कहां तसव्वुर आएगा, लेकिन जैसे शायरी में हम करते हैं ना हिजर का जिक्र, वही ईमेल पे बात कर लो, इंटरनेट पे बात कर लो, नहीं तो फेसबुक पे, अब हिजरत के कोई मानी नहीं है शायरी, लेकिन शायरी में है, शायरी में आज भी हिजर के मानी है, शायरी में आज भी वसल के मानी है, तो बहरहाल ताजा कलाम है। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में, कोरोना है ना शायरी, जो नहीं मिल रहे हैं तो शायरी में भी कोरोना है ना, कोरोना के शेर पड़ा ना, मैं पाकिस्तान में फंस गया था वो कोरोना के जमाने में, आसपास सब बंद हो गए थे, उस जमाने में ये नया नया चला था कि अभी अब रमजान आने वाला है तो मस्जिदें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, बड़ा हंगामा था ये मस्जिद खुले कि नहीं खुले, तो उस पर ही मैंने ये कहा था कि भाई के यहाँ पर नहीं आना, जाते हो जो मस्जिद तो मेरे घर नहीं आना, आपको ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, ये भी दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के, ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के, एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, एक शाम बनामे लब शीरी दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के, 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 अब उसके बिना यूं हैं शबो रोज हमारे, अब उसके बिना यूं हैं शबो रोज हमारे, शबो रोज हमारे, जैसे कोई दरवाजा ना हो घर में किसी के, जैसे कोई दरवाजा ना हो, यूं हैं शबो रोज हमारे, जैसे कोई दरवाजा ना हो घर में किसी के, ठीक है वाह वाह, उस दिल के बहुत पास न उस दिल से बहुत दूर दूर, अगर मेरी कोई सुन रही हो तो ये उसके लिए है ज़ूम के मुशायरे पे, उस दिल के बहुत पास न उस दिल से बहुत दूर, बैठे हुए हम होंगे बराबर में किसी के, किसी के वाह वाह वाह, बहुत दूर बैठे हुए हम होंगे बराबर में किसी के, पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, मिल जाएंगे हम हुस्न के दफ्तर में किसी के, पढ़ते हुए तमहीदे किताबे लबो रुखसार, मिल जाएंगे हम हुस्न के दफ्तर में किसी के, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के, शायद किसी एक मिसरे खुश रंग की सूरत, हम भी नजर आ जाएंगे मंजर में किसी के, और ये चंद आखिरी गजल के चंद शेर हैं कि जब हुई उसकी तवज्जुह में कमी थोड़ी सी, जब हुई उसकी तवज्जुह में कमी थोड़ी सी, खुद ब खुद आ गई आंखों में नमी थोड़ी, जब हुई उसकी तवज्जुह में कमी थोड़ी सी, खुद आ गई आंखों में नमी थोड़ी, बन गया फूल बनाने थे खदो खाल उसके, बन गया फूल बनाने थे खदो खाल उसके, फूल बनाने थे खदो खाल उसके, रह गई मेरे तखयुल में कमी कमी थोड़ी सी, वाह वाह वाह,
थे दो हाल उसके, रह गई मेरे तखयुल में कमी थोड़ी सी, वो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, वो जो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, जिक्र जब उसका छिड़ा बज्म जमी थोड़ी सी, वो जो आ जाता तो क्या क्या नहीं होता, फिर भी जिक्र जब उसका छिड़ा बज्म जमी थोड़ी सी, उसको भी अपनी अना पर है बहुत नास, तो उसको है अपनी अना पर जो बहुत नास, तो फिर हम भी दिखलाएंगे साबित कदमी, ये बात है ना, क्या बात है, साबित कदमी थोड़ी, दिखलाएंगे साबित कदमी थोड़ी सी, क्या बात है, समझ गया साबित कदमी, क्या बात है, वाह वाह इश्फाक भाई, मैंने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी, आई होप की आवाज आ रही हो आप लोगों, उसको भी अपनी अना पर है बहुत नाज, तो फिर हम भी दिखलाएंगे साबित कदमी, उसने रखा ही नहीं पाँव जमीन के ऊपर, रखा ही नहीं पाँव जमीन के ऊपर, मिल गई जिसको तेरी हम कदमी थोड़ी सी, वाह वाह, रखा ही नहीं पाँव जमीन के ऊपर, मिल गई जिसको तेरी हम कदमी थोड़ी सी, रह के और दो आतिशा कर देती है आहम गजल, और दो आतिशा कर देती है, और दो आतिशा कर देती है आहंगे गजल, लय में नवाए अजमी थोड़ी सी, कर देती है आहंग गजल, लय में जमी थोड़ी सी, वाह, एक हर्फ शिकायत था लबों पर उसके, क्या बात है, एक हर्फ शिकायत था लबों पर उसके, जिस तरह फूल की पत्ती पे नमी थोड़ी सी, वाह, शिकायत था लबों पर उसके, क्या क्या अश्फाक साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार के वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो पुरानी मंटो अक्सर कहता था कि नथ होता था, तो कुछ ऐसे ही हो गया कि पहली दफा ज़ूम पे मैंने पढ़ लिया, वाह वाह, जबरदस्त, अब तो आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब आप ज़ूम के मुशायरों में आ सकते हैं, ज़ूम हो गया, बहुत जबरदस्त, और शुक्रिया बहुत बहुत जनाब सदर कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, माफी चाहता हूँ, ये करेक्शन की वजह से मैं बाहर हो गया था, अभी सुना मैंने अशफाक साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, बहुत नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपको दोबारा दूसरे मुशायरे में मैं जहमत जरूर दूंगी, फिर दोबारा आप तिश्नगी छोड़ गए, पहले उस वक्त आपको मालूम था कि जब एडमिंटन आए थे तो वो जो सारा थिएटर का टाइम खत्म हो गया था, एमपी साहब ने सारा टाइम ले लिया था, उसका लिंक डाल दीजिएगा ना, लिंक इसका, तो अब इंशाल्लाह दूसरे मुशायरे में आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप आएंगे, जब आप जी बहुत जल्दी, अशफाक साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको तो बहुत आपकी शायरी, जिस तरह अब्बास ताबिश मजबूरी उनको हो गई थी, उम्मीद है कि उनके जो भी अजीज हैं वो ठीक होंगे, तो उनके साथ भी हमें दोबारा मुशायरा करना है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और
खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान से आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, और लेकिन ये है कि आपके सुनने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, जो कि बहुत दिन से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। और मुझे लग आप लोगों ने सबने देखा, ये मुशायरा बहुत ही कामयाब मुशायरा हुआ, हमें बहुत कमेंट मिल रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सदर का बहुत शुक्रिया, अशफाक हुसैन का, और एडमिंटन से नुसरत और तलत दोनों का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से रेहाना रूही, ज़ेबुन्निसा ज़ेबी और मुस्लिम अलवी साहब का, और टोरंटो से हिना अमरीन का, और इंडिया से राजेश रेड्डी को तो दोबारा फिर आना ही पड़ेगा हमारे मुशायरा में, और अफजल मंगलोरी साहब का सुनकर बहुत लुत्फ आया, मैंने खुद भी बहुत इंजॉय किया मुशायरे को, आपने खुद भी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। मैं तो कोई बहुत ही मामूली सी शायरा हूँ, मैंने बताया ही कि यहाँ पर आके स्टेज पे खड़े होकर मुबाहसे तो नहीं किए जा सकते थे, जो कि वो जमाना था, और लेकिन चलिए ये शायरी का भी दौर बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, इंडिया और पाकिस्तान वालों की अल्लाह हाफिज, अल्लाह हमें धुंधला धुंधला याद है कि आप तरन्नुम से पढ़ा करते थे, बहुत अच्छा, जब नौजवानी के जमाने थे मैं आज अपने तरन्नुम से नहीं पढ़ा, विनोद भारद्वाज ने इतने दिन बाद लाइक शक्ल नजर आई, जो है मुस्कुराए कहा क्या, बहुत अच्छा कलाम पेश किया, और वो जमाने याद आ गए जो हमने डॉक्टर खालिफ के जमाने में मुशायरे हुआ करते थे, और सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाएगा और हम इस उम्र तक पहुंचे, वह बहुत जालिम है, मेरी तरफ से भी तमाम अपने आप सामईन जो लोग इतनी देख रहे हैं और वक्त दे रहे हैं उनका शुक्रिया, और शायरों का तो हमारे दोस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, और वो सब लोग मलवी साहब को पहली दफा मैंने सुना, और सब लोग जो हमें सुन रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं, बहुत मुशायरे की तारीफ कर रहे हैं, उन सब लोगों का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की, और इंशाल्लाह अब जब तक ये COVID-19 नहीं जाता, इसी तरह से हम आप सब दोस्तों से मिलते रहेंगे, आप सबको बार बार जहमत देंगे, और हम खुद भी लुत्फानंदोज होंगे और दूसरे सामईन भी बहुत लुत्फानंदोज होंगे, शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा 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 शुक्रिया।